सो ही गाइस, मैं हूं एलेक्स, वेलकम बैक टू पोकेटल 5 एंड आज हम खेलने वाले पोकेमोन ओमेगा रूबी को 400 आवर्स एंड जा। इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ गोल वोल सेट नहीं करने वाला हूं, बस हमें टीम मैग्मा को डिफीट करना है एंड उसके साथ साथ ग्राउंडोन को विदाउट मास्टर बॉल कैच करना है, सारे जिम लीडर्स को हरा के उनकी बैजेस को कलेक्ट करनी है एंड हमें चैंपियन को हरा के खुद चैंपियन बनना है पूरे होल रीजन का। सो ये सारे कुछ नॉर्मल गोल्स है जिनको हमें कंप्लीट करना है और अगर तुम्हें इस गेम के लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें इस गेम के लिंक भी प्रोवाइड है। तो चलो सब लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो के 3 के लाइक इनको कंप्लीट कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रक के अंदर बैठ के न्यू घर में हमारे शिफ्ट हो रहे थे एंड उसी बीच हमें कुछ पोकेमॉन्स दिखाए जाते हैं जो कि वाइल्ड में होती है एंड ये इसी जनरेशन के सारे पोकेमॉन्स हैं जो कि लुकिंग में तो काफी ऑसम ही है। एंड फिर हम लोग ट्रक के अंदर होते हैं, प्रोफेसर वहीं पर हमें पूछ रहे थे तुम लॉन्डा या लॉन्डिया हो, तो हम लोग ऑफकोर्स लॉन्डे थे एंड उसके बाद हमने अपना नाम भी रख लिया एंड फिर हमारा कैरेक्टर दिखाया जाता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग भाई ट्रक से यहाँ से बाहर आते हैं, ऊपर भाई सब कुछ रॉकेट वॉकेट क्या पता नहीं लाटे साठे से जा रहा था एंड उसके बाद मम्मी मिलती है हमें नए सिटी में एंड फिर मैं चला आता हूँ अपने पड़ोसी से मिलने जो कि ऑफकोर्सली मैं थी एंड ये बताएं यहाँ पर सज धज रही थी जो भी हो एंड आफ्टर डेट इससे हमारी प्यार सी दोस्ती भी हो जाती है। एंड फिर क्या था भाई, हम आगे निकल जाते अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेने, बट यहाँ पर दिखता है भाई कोई मुसीबत मैन, प्रोफेसर के पीछे भी कुत्ता भाग रहा होता है एंड प्रोफेसर भाई सब रुक के बोलते हैं यहाँ से पोकेमॉन था लॉन्डे मेरे को बचा ले इस पोकेमॉन से। एंड फिर क्या था, अपना स्टार्टर देखने लग जाते जो कि भाई सब मटकी सॉरी चर्चिक मटकी एंड ट्रिको थे, तो मैंने यहाँ से ट्रिको टेक कर लिया बिकॉज मुझे सेप्टाइल बहुत पसंद है एंड फिर भाई मैंने इस कमीने पोकेमॉन को हरा दिया यहाँ से। एंड प्रोफेसर को सेव करने के बाद प्रोफेसर ने कहा कि रोड 3 में उनकी बेटी मैं है एंड उसे हमें ढूंढ के लाना है एंड या वो आप बैटल भी हमसे करने वाली थी, हमें कुछ ट्रेनिंग करना तो बनता ही है ना ऑलरेडी, हमने पहले यहाँ से ट्रेनिंग करनी चालू कर दी एंड काफ़ी सारे पोकेमॉन को मैंने यहाँ से बीट कर दिया एंड या जब तक मैं भाई लेवल 8 तक नहीं गया मैंने तब तक ट्रेनिंग की एंड फिर मैं चला गया भाई मैं को ढूंढने एंड मैं यहाँ पर मिल गई थी मुझे एक पॉन्ड के पास ही, पता नहीं यहाँ पर कुछ पोकेमॉन कैच करे थे एंड फिर इस टाइम हमारी बैटल शुरू हो जाती है एंड यहाँ इसके भाई लेजेंडरी एंट्री भाई का ही मस्त है इसके एनिमेशन, बट इसका टॉर्चिक पता नहीं मार के क्यों भाग रहा था, मतलब भाई मैं इसका थप्पड़ मार रहा नहीं भाई मेरे को मार के भग रही भाई अंदर, बट कोई बात नहीं साथ में से हराता हूँ। एंड आफ्टर डेट मैं भाई हार जाती है एंड फिर हम लोग आते प्रोफेसर के पास जहाँ पर भाई प्रोफेसर हमें पोकेडैक्स देते हैं मेरे को लाने के लिए एंड फिर मैं भाई हमें कुछ पोकेबॉल दे देती है, मतलब अच्छा माल पानी मिल जाता है यहाँ से एंड फिर हम आगे निकल जाते हैं आगे नेक्स्ट वाले सिटी के लिए। बट उसी बीच हमें कुछ धुरंधर पोकेमॉन आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं एंड कुछ भाई नौ सिक्के और ट्रेनर से हम बैटल कर रहे थे एंड हम भी कुछ नौ सिक्के आए थे, बट क्या करते यार सबको हराया हमने एंड फिर हम भाई धीरे धीरे एक पोकेमॉन कैच करने निकल पड़े होले होले। यहाँ पर हमें मिला एक सस्केट जिसको हमने थोड़ा डैमेज करी एंड पोकेबॉल थ्रो करके अपने जेब में रख लिया हाँ पॉकेट मॉन्स्टर को एंड फिर भाई हमने कुछ बेरीज भी यहाँ से उठाई बिकॉज बेरी उठाना भाई सब थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है स्टार्टिंग के लिए, तुम्हें काफ़ी अच्छे आइटम्स मिल जाएंगे। एंड फिर मैं निकल पड़ा नेक्स्ट सिटी में जो कि पेटलबर्ग सिटी था एंड यहाँ पर भाई मेरा डैड का जिम था एंड या मेरे डैड का नाम नॉर्मन है, तुम्हें पता है इस गेम में भाई हम एक जिम लड़े के बेटे होते हैं एंड फिर हम भाई जिम के अंदर जाते हैं, उसी बीच भाई एक लॉन्डा भाई पीछे से एंट्री मार रहा होता है एंड बोलता है भाई मुझे एक पोकेमॉन कैच करना है, तो भाई मेरे डैड भी भाई भले इंसान थे उन्होंने भाई इस लॉन्डे को एक पोकेमॉन एंड पोकेबॉल्स दिए कुछ एंड या बोला कि भाई मुझे बोला कि इसको भाई पोकेमॉन सेफली पकड़ के ला देना, तो भाई ये लॉन्डा आता है जल्द पकड़ता है एंड या फिर क्या था यार मैं अपने डैड के पास आता हूँ, ये बोलते हैं मैं तुम मुझसे बैटल नहीं कर सकते, तुम आगे जाओ 2-3 जिम लीडर्स को हराओ, मतलब हाँ 4 जिम लीडर्स को हरा दो 4 बज कलेक्ट कर लो फिर तुम मुझसे बैटल करने आना, तो हम लोग फिर निकल जाते हैं बिकॉज डैड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उनको हम हरा नहीं पाएंगे फिलहाल। एंड फिर हमें दिखते हैं यहाँ पर एक पोकेमॉन जिसको भाई कैच करने के लिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ एंड फाइनली वो पोकेमॉन होता है ये वाली पंछी जो कि वाटर टाइप की है जिसको मैंने कैच कर लिया तुरंत ही। एंड फिर भाई मैंने सोचा यार इसको रख लिया तो सस्केट को हटा देते हैं, मैं सस्केट को टीम से हटा दिया यहाँ से एंड इसको रख लिया एंड फिर मैं आ गया वापस से रोड 2 के अंदर बिकॉज मुझे भी एक रेल्स चाहिए था एंड लिटरली आधे घंटा ढूंढने के बाद मेरे को एक रेल्स मिला जो कि भाई साहब फीमेल था, मतलब मुझे रेल्स मेल वाला चाहिए था बिकॉज मुझे गलेट चाहिए था, बट कोई बात नहीं जो मिला वही मैंने कैच कर लिया बिकॉज आधा घंटा वेस्ट हो चुका था यहाँ पर। एंड फिर हम निकल पड़े भाई सिटी के लिए, बट यहाँ पर मुझे सबसे पहले फॉरेस्ट मिला एंड इस फॉरेस्ट में भाई कुछ धुरंधर पोकेमॉन ट्रेनर्स को हमने हराया एंड फिर उसके बाद हम लोग भाई सब यहाँ पर जहाँ पर एक प्रोफेसर मेरे को मिल रहे थे या तो मतलब रिसर्चर कह सकते हो, इनसे कुछ पार्ट्स भाई चीनने आ चुका था भाई ये मैग्मा ग्रंट एंड या प्रोफेसर ने बोला कि तुम एक ट्रेनर हो तो मुझे बचा लो यार। एंड फिर क्या था भाई मैं हीरो बन के कूद पड़ा प्रोफेसर को बचाओ नहीं एंड इस टीम मैग्मा के एक प्यास से पूछी आना को काट डाला, मतलब हाँ उसके अब्जॉर्व कर ले उसकी सारी शक्ति हो एंड फिर प्रोफेसर ने हमें एक्सपीशियर दिया जो काफ़ी ओपी आइटम होती है तुम्हें पता ही है एंड फिर हम यहाँ पर आगे गए यहाँ पर था स्वर्ग, मतलब देख रहे हो भाई लॉन्डिया भरी भरी है इसके अंदर, बट कोई बात नहीं इनकी छोटी बहन से मुझे सबसे ज़्यादा मतलब एक आइटम मिल गई थी एक बेरी एंड फिर हमें कुछ भाई साहब लॉन्डो को भी हराया यहाँ से एंड उसके बाद हम लोग आ गए तुरंत ही नेक्स्ट सिटी में। यहाँ पर मेरे को मे मिली क्योंकि भाई दिखा रही है कि ये सिटी देखो यार हमारे होम टाउन से तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड फिर इसने मुझे जिम जाने के लिए कहा एंड ये लॉन्डिया निकल पड़ी एंड आफ्टर दैट मैं नर्स के पास आ गया जहाँ पर मैंने पोकेमॉन सील करा लिए एंड फिर मैं निकल गया जिम को हराने एंड ये एक रॉक टाइप जिम था, जिम लीडर भाई पहले हमारी स्वागत कर रही थी आते ही
अच्छी बात है, ऐसे करते रहो यार, सम्मान देते रहो। एंड जिम भाई देखने में कितना औसम था, जो भी हो वजह फिर मैंने यार यहाँ के कुछ ट्रेनर्स को कुत्ते की मौत मारो एंड या फिर मैं निकल पड़ा जिम रेडी के बहुत। एंड जिम लीडर भाई साहब लौंडे काफ़ी मस्त थी, बट भाई इसके पोकेमोन इतने ज़्यादा मस्त नहीं होने वाले थे। इसका पहला पोकेमोन था जियोडूड, जिसको भाई साहब मैंने अपने पंचे को भेजा एंड मैंने सोचा भाई एक शॉट के अंदर उड़ा दूंगा भाई, क्या ही पोकेमोन है, बट बच लेगा भाई लौंडा एक स्टूडेंट मेरे पोकेमोन का हो गया कल्याण। फिर भाई भाई जो भी हो मेरा ट्री को आया हो एंड इसने एक शॉट के अंदर फिनिश आउट कर दिया जियो डूड को, इसके सारी रकट ठिकाने आ गई। एंड फिर इस लौंडे का दूसरा पोकेमोन पता नहीं, ये पोकेमोन का नाम नहीं पता मेरे को, नोस पास जो भी है इसका नाम, जिस जो से मैंने इसे एक शॉट मारा दूसरे शॉट में हरा दिया मैं ट्रेन के अंदर। एंड फिर क्या था भाई अपना ट्री को प्यारा अपने सेकंड फॉर्म में इवॉल्व हो रहा था ग्रोवाइल के अंदर, जो कि लगभग मेरा फेवरेट पोकेमोन में इसके लिस्ट में ही आता है। एंड आफ्टर डैट हम लोग भाई उछलते उछलते हाँ पहुँच गए थे जिम लीडर को, मतलब जिम लीडर को हरा दिया तो। एंड फिर हम लोग बाहर आ गए थे एंड बाहर आते हमें दिखा भाई सब मतलब टीम मैग्मा भाग रहे प्रोफेसर का वो पार्ट चुरा के, जो कि वो पहले चुरा नहीं पाई थी। एंड फिर अपने यहाँ पर आते प्रोफेसर बोलते बचा ले भाई टीम मैग्मा से, लेके आ जा पार्ट वापस। एंड इन अंकल का भी एक पीको भाई टीम मैग्मा चुरा लिया था, तो हम भाई दोनों को लेने गए थे इस चैनल के अंदर। यहाँ पे मेरे को वो मिल भी जाता है एंड इसको मैं हराता हूँ। एंड आफ्टर डैट भाई से मुझे वो डेवन जो भी पार्ट मुझे मिल जाता है। एंड फिर ये प्यार से पीको का ट्रेनर आता है एंड पीको को याद से भाई ले जाता है, मेरे को थैंक्स बोलता है साथ में। एंड क्या इससे हमें इन फ्यूचर फायदा भी होने वाला है, मतलब भलाई का अच्छा फायदा या। एंड फिर इस लौंडा मेरे को मैं इसको मतलब पार्ट देने आ ही जाता हूँ कि मेरे को वो गेट बोल देता है एंड ले जाते अपने साथ इस घर के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा होता है बिल्डिंग के अंदर। एंड यहाँ पर हमें भाई एक लेटर मिलता है जो कि हमें स्टेवन को डिलीवर करना है। एंड और एक भाई काम यहाँ से हमें मिल चुका होता था कि हमको मतलब वो पार्ट्स को और एक सिटी में डिलीवर करना था। एंड फिर हम इस अंकल से कट भी ले लिए एंड यहाँ पर हम लोग चुपचाप आके इस अंकल के पास एंड यहाँ से हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट सिटी के लिए पीको के ट्रेनर के साथ। एंड ये पीको प्यारा ऊपर उठ रहा था। एंड ये नेक्स्ट सिटी में आने के बाद ही भाई यहाँ का एक जिम भी था, बट उससे पहले हमें भाई स्टेवन को लेटर डिलीवर करना था, तो हम सोचे भाई चलो जाए लेटर डिलीवर कर लेते हैं उसको। एंड ये जिम भाई फायरिंग टाइप भी था, तो हमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी करनी थी। बट यहाँ पर भी स्टेवन के जहाँ पर रहता है ना वहाँ पर पता नहीं कुछ बंदे यार खड़े हुए थे सब ब्लॉक करके, तो फिर हमने सोचा भाई रेल्स को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लेते ताकि भाई फाइटिंग टाइप जिम में जाने से फायदा हो जाए। एंड रेल्स 12 लेवल का जब तक नहीं होता मैंने ट्रेनिंग किया। फिर मैं आ गया जिम के अंदर एंड ये भाई इस जिम में भाई काफ़ी लौंडे हमने बहुत गंदी तरीके से रेल्स हराया हो। एंड यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छी फैक्ट है भाई, ये देखो लाइट ऑन ऑफ होती है भाई ऐसे करते हैं। एंड फिर तुम्हें बंदों को हराओगे भाई काफ़ी अजीब जिम था। एंड जैसे जैसे मैं पहुंचा तो जिम लीडर के पास है, यहाँ पर जिम लीडर जिम कर रहा था यार, सही बात है भाई कोई भी देखे बता देगा पोकेमोन जिम है बिकॉज यहाँ पर जिम के सारे आइटम्स रखे हैं, जिम लीडर भी जिम कर रहा है। एंड फिर इससे हमारी बैठक शुरू हो जाती है भाई जी। इसका फर्स्ट पोकेमोन यहाँ पर कौन सा था भाई, मच्चाम, हाँ लौंडा मच्चाम निकालता है। हम लोग भी भाई निकालते अपने प्यार से गाड़ी वायर को, सॉरी नहीं रेल्स को, हाँ। एंड क्या लौंडा एक शॉट में मच्चाम को नहीं मार पाती एंड इसके बदले भाई मच्चाम इसे पटक देता है, बट कोई बात नहीं भाई अपने रेल्स तो रेल्स से भाई दूसरे शॉट के अंदर ही भाई मच्चाम की लगा देती है अच्छी तरीके से। एंड क्या फिर मच्चाम पिट जाता है। एंड उसका नेक्स्ट शोकन आता है ये मकुहिटा, जो कि अपने ऊपर कीचड़ उछाल रहा था, फिर भाई हमने इसको भी दिखा दिया औकआउट। एंड इसको आने के बाद तुरंत हम जीत गए इसका जिम बैच, जिसका मैं सेकंड जिम नहीं फर्स्ट जिम बैच था क्या, नहीं सेकंड था यस। एंड फिर हम लोग भाई बाहर आ गए जिम से एंड उसके बाद मैं स्टेवन को लेटर डिलीवर करने निकल पड़ा हूँ। एंड क्या पर भाई मेरे को मिल चुका था स्टेवन, जो कि भाई पता नहीं कुछ आइटम मतलब चीज़ों को भाई यहाँ पर रिवील कर रहा था। एंड तुम बता सकते हो कौन सा पोकेमोन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये कौन सा पोकेमोन को भाई ये है सिंबल, जो लोग भाई समझदार बता सकते हो या ना के फैन तो हो गए तो बता ही दोगे एंड वरना नहीं हो तो कोई बात नहीं। एंड भाई जब फिर पाया था हम स्टेवन के पास आ गए एंड लौंडे को हमने यार से डिलीवर किया एंड इसके बदले मुझे स्टील विंग्स दिया। एंड फिर मैं निकल पड़ा नेक्स्ट सिटी के लिए इस अंकल के बोट के साथ। एंड या थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद हम फाइनली आ चुके थे नेक्स्ट सिटी में। एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ के सारे बंदे को हराया, मतलब या लौंडे सकते यहाँ के, बट सबको हराने के बाद फाइनली हमें यहाँ पर एक घर मिला जहाँ पर भी भाई तुम्हें खड़े 6 के 6 बैटल करने पड़ते हैं, तो हमने यहाँ पर भाई 6 के 6 बंदों को काटा एंड इस अंकल से रिवॉर्ड ले ली इन सबको हराने के बाद सोडा पॉप। एंड या आफ्टर दैट मैं निकल पाया नेक्स्ट सिटी में। इस सिटी में आने के बाद मैं जैसे वहाँ घूम रहा था कि मेरे को देखता टीम मेंबर की लाइन, मतलब ये लोग म्यूजियम में घुसने के लिए भाई लाइन लाके बैठे हुए थे। एंड फिर क्या था भाई अपन लोग भाई निकल पड़े एंड उसके बाद हम इन अंकल से बैठे बैठे बात भी कर लिए थे। एंड उसी बीच रात हुई एंड उसी रात में मैं चला गया भाई इधर मैं पार्ट्स को डिलीवर करने, वो शिप के कुछ पार्ट्स थे जो कि हमें मिला था। एंड इन लॉन्डे ने कहा कि भाई अभी कैप्टन यहाँ पर नहीं, कैप्टन म्यूजियम में, तुम वापस जाकर उनको डिलीवर कर दो। फिर हम म्यूजियम में चले गए कैप्टन को पार्ट्स डिलीवर करने, शिप के पार्ट्स या नहीं सबमरीन के पार्ट्स सॉरी, हाँ। एंड यहाँ पर 50 रुपये मुझे ले गया अंदर घुसने के लिए। एंड फिर मैं घुस गया अंदर एंड यहाँ पर मुझे मिल चुके थे यहाँ के कैप्टन, जिनको हमने पार्ट्स डिलीवर करने के लिए कहा। बट उसी बीच अचानक आ गए दो टीम में मैग्मा के बंदे एंड हमसे शुरू कर दिया बैटल, बिकॉज इनको चाहिए था पार्ट्स, मतलब इनको बॉट्स को वो पार्ट्स चाहिए था पता नहीं किस गंदे काम के लिए, बट हमने भाई इनको यार खतरनाक तरीके से बीट किया। एंड फिर इनका बॉस यहाँ पर था एंड मुझे आगे बोलने लगा भाई साहब टीम मैग्मा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम इसके मतलब पल्ले मत पड़ो, ये बस दुनिया के जो अर्थ है ना उसको भाई लैंड को ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं ताकि ह्यूमैनिटी और आगे जा सके। यह सब बकलोली करने के बाद ये लौंडा बोलता है तुम हमारे रास्ते में और कभी मत आना एंड निकल जाता है।
फक लोल डोंडा। बट कोई बात नहीं, आफ्टर दैट मैं इस बंदे को यार दे देता हूँ ये पार्ट्स एंड मैं बोलता हूँ भाई बना ले अपने शिप भी पैंट। फिर मैं निकल ही रहा था कि ये लोग कुछ बोलते कि एक सेलिब्रिटी आप आई है। मैं सोचता भाई कौन सी सेलिब्रिटी है, तो हम भी देखने आ जाते हैं। ये थी लोंडिया जो कि भाई एक तरह की पोकेमॉन कॉन्टेस्ट की चैंपियन थी एंड ये नाच भी कर रही थी अच्छी खासी। एंड अभी इसको भाई एक लोंडा चाहिए था जिसको भाई वो और पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में ले जा सके ताकि वो चमकता हुआ सितारा बन सके। एंड ये मेरे को चॉइस करती है, आई एम टैलेंटेड एंड कॉन्टेस्ट पास देने के बाद मैं अंदर चला जाता हूँ कॉन्टेस्ट लड़ने। एंड यहाँ पर हम रजिस्टर कर दे वाले थे कि ये लोंडिया आगे बोलती है एलेक्स रुको यार तुम्हें ड्रेस व्रेस की जरूरत पड़ सकती है तो मेरे साथ आओ। एंड ये लोंडिया हमें एक ड्रेस देती है एंड या इसमें तुम्हारा भाई हमेशा कूल ही लगता है। एंड फिर हम निकल गए लड़ने कॉन्टेस्ट एंड हज़ारों घंटे हम कॉन्टेस्ट लड़ते रहे, लाखों करोड़ों हमने यहाँ पर मूव यूज़ किए एंड फिर भाई साहब कुछ पल्ले नहीं पड़ा हमारे। एंड ये ग्लोबल का अच्छा खासा मूव भाई निकला जो कि देखने में असम था। एंड फिर भी भाई साहब जब रिजल्ट आया ना तब हमारा आखिरी यस भाई मतलब लेजेंडरी भाई साहब। एंड फिर जो भी हमें एक पिकाचू मिला जो कि ये वाला पिकाचू था एंड इसका तुम ड्रेस हमेशा चेंज कर सकते हो जब मर्जी चाहो, इस पिकाचू को नंगा कर दो या ड्रेस बना दो। एंड फिर भाई हमने कुछ ट्रेनर्स खड़ाया एंड यहाँ पर एक घर था इसके अंदर तुम एक ट्रिक रूम है मतलब या एक स्कॉल को ढूंढ के इस लॉन्डे को देना है ताकि ये लॉन्डर में एक रिवॉर्ड दे सके। फिर हम चल पड़े इस घर को भाई मिस्ट्री सॉल्व करने एंड यहाँ पर भाई काफ़ी ट्री को हमने भाई बर्बाद किया द ग्लोबल वार्मिंग जो भी हो। आफ्टर दैट हमने कुछ बंदों के यहाँ से पीट डाला स्लीव ब्लेड से एंड हमें यहाँ पर स्कोर मिल चुका था। स्कोर मिलते ही भाई मैं इस लॉन्डे के लिए निकल पड़ा हूँ यहाँ पर भाई इसको खोल के हम इस लॉन्डे से टाउन के लिए TM2 बेकार चीज़। एंड फिर इस साइड जाके मैंने काफ़ी सारे यार लॉन्डे जो भी यहाँ पर थे सबसे भाई बैटल ले ली एंड सबको कुत्ते की मौत मारा। एंड आफ्टर दैट हम लोग आगे निकल पड़े एंड जहाँ पर हमें प्यार सी मे मिल चुकी थी जिसको करना था मैम से बैटल। भाई इसके पोकेमॉन तो पावरफुल नहीं है बट हमने इसको बहुत ही गंदे तरीके से काट डाला था इसके हर पोकेमॉन को बेचारी में। एंड फिर ये साइकिल लेके निकल जाते भाई, जब इसके पास साइकिल का आया एंड फिर मैं भी नेक्स्ट सिटी में आ जाता हूँ। नेक्स्ट सिटी काफ़ी अजीब दिख रहा था एंड इस सिटी में घूमते घूमते मेरे को मिलता है ये वाला लोंडा जिसको हमने जल्स पकड़ने में हेल्प की थी। एंड ये लोंडा जाने वाला था जिम में बट इसके दादाजी जो भी है बोल रहे थे मजे जा लोंडे थे उतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। एंड फिर बोलते मैं अलेक्स को हरा के प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। एंड फिर भाई लोंडा बैटल शुरू करते हैं हमसे बट भाई दद्दा तो दद्दा होते हमने इसको हराया। एंड फिर ये लोंडा भाई निकल पा रहा एंड इसके ये अंकल या जो भी थे ये खुश हो गए भाई हमको यहाँ से दे दिए या लॉक स्मैश जो कि TM6 एंड ये आगे हमें काम आने वाला है। भाई जो मैं फिर साइकिल लेने आ जाता बिकॉज मे के पास है तो हमारे पास होनी चाहिए एंड यहाँ से हमें एक बाइक मिल जाती है जिसको भाई हम लोग राइड करते थे अचानक इसके पीछे थोक देते हैं। भाई लोंडे का दर्द हो रही थी भाई जो भी आफ्टर डेट हम आ जाते जिम के अंदर एंड इस जिम के भाई खतरनाक पजल्स कुछ होते हैं जिनको हम यहाँ से सॉल्व करने लग जाते हैं। एंड कुछ भाई खतरनाक पजल्स को सॉल्व करने के बाद तुम आगे जा सकते हो तो उतलापन हो जाती कभी कभी। एंड फिर यहाँ पे कुछ बंदों से मैं बैटल करता हूँ जिनको मैं कार्ड डालता हूँ एंड फिर हम लोग आ जाते हैं ऐसे डायरेक्टली जिमरेड के पास। एंड पता नहीं जिमरेड साइड में भूत रहा था क्या, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था भाई। एंड फिर पता नहीं इसका पेट में हाथ था बाद में दिखा मेरे को। एंड फिर भाई इस लोंडा ये मेरे तब घूमता है एंड हंस के हमसे बैटल शुरू करता है भाई बिल्कुल भाई साइको लोंडा है। मैं जो भी इसका फर्स्ट पोकेमॉन होता है मैग्नेमाइट जिसको मैं एक शॉट मारता हूँ एंड ये लोंडा भाई निकल लेता है मतलब स्विच कर लेता है अपने पोकेमॉन का। आता है मैग्नेटोन जिसको मैं इजीली फिनिश करता हूँ एंड इसके इस पोकेमॉन को तो भाई एक शॉट ही खत्म एंड ये भी लोंडा गया। एंड इसके साथ साथ भाई अपना रिजल्ट क्यूट सी प्यारी सी रल्स अपने सेकंड स्टेज में चली जाती है कर लिया मैं डांसिंग कर लिया। एंड फिर इसका जिम बैच देने के बाद मैं तुरंत भाई सिटी से निकल जाता हूँ लेफ्ट साइड में बिकॉज इसका चार साइड है राइट लेफ्ट बहुत सारे साइड है। एंड उसी जगह पे हमें एक सिटी में मिलते हैं, सिटी के अंदर घुसने के बाद एक यहाँ पर एक केव मिलता है एंड इस बंदे को भाई रॉक स्मैश में बचा देता है बिकॉज उस साइड फर्स्ट किया था। एंड इसी बीच में ये मेरे को देता है एग्रॉन नाइट। अब भाई एग्रॉन नाइट मिल चुका है तो भाई हमें एग्रॉन भी तो चाहिए ना बिकॉज उसका मेगा ही वर्क करना है। एंड फिर भाई जो भी हम स्टेवन वाली सिटी में आते जहाँ पर मैंने स्टेवन को भाई लेटर डिलीवर की थी एंड इस सिटी में आने के बाद मैं साइकिल्स में ऊपर चढ़ जाता बिकॉज ये वाला चीज़ ना तुम साइकिल से कर सकते हो। एंड यहाँ पर आने के बाद भाई मैं एग्रॉन ढूंढने लग जाता है मेरे को मिल जाता है एरॉन एंड इसको मैं कैच कैसे कर लेता हूँ अपने ग्रेट बॉल से। एंड फिर आ जाता है भाई साइकिलिंग करते करते हम उसी सिटी में बैक एंड हम ऊपर की साइड चले जाते हैं। एंड इधर जाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ बंदे मिलते हैं इनके भाई पूरे के पूरे फैमिली को तुम्हें हराना पड़ता है तो हमने इन सबको हराया। एंड फिर भाई नेक्स्ट सुबह हो चुकी थी हाँ गुड मॉर्निंग एंड या फिर हम यहाँ पर एंड रॉक मैच से भाई पत्थरों को तोड़ा हाय पावरफुल हम। एंड फिर हम आगे निकल पाए जहाँ पर हमें मे मिली एंड इसने मेरे को दिया यहाँ से स्ट्रेंथ TM4। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर जा रहे थे मुझे एक अंकल दिखा नहीं, अंकल मेरे को काफ़ी मस्त लग रहे थे तो मैंने से बात करने की सोची लेकिन भाई उनका तो यार मुझसे भाई चार चार हाथ गंदे तो हमने इनको मार दिया। एंड उसी बीच
हमारे पंछी भाई इवॉल्व हो रहा था अपने फाइनल स्टेज में। एंड आई लाइक दिस पंछी, इसके दो टाइप है वाटर एंड फ्लाइंग, जो कि पावरफुल टाइप है। एंड फिर हम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे कि टीम मैग्मा भाई हमें धक्के मार के निकाल रही थी, तुम नहीं जा सकते। हमने सोचा कोई बात नहीं, आगे चले जाएंगे, है ना। एंड आफ्टर इट मुझे इस रास्ते में टॉड कॉल मिला, जिसको मैंने यार ग्रेट बॉल से तुरंत यार कैच कर लिया एंड रख दिया अपने पॉकेट में। एंड फिर मैं आगे निकल पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर भाई कुछ आधे घंटे ट्रैवल करने के बाद मेरे को एक सिटी मिल चुकी थी। एंड इस सिटी में आने के बाद मेरे को बोलते हैं गड़बड़ हो चुकी है, हेल्प चाहिए होगा। एंड यहाँ पर भाई एक प्रोफेसर थे जिनका नाम पता नहीं, प्रोफेसर फलाना ढिमकाना था। एंड ये भाई चुराया जा चुके थे, मतलब ये किडनैप हो चुके थे, टीम मैग्मा को ले जा चुके थे। एंड हमें भी इनको सेव करना था, तो हम भी निकल पे इनको सेव करने मेरे भाई। एंड इसी रास्ते में भाई सब हमें कुछ बंदे फिशिंग करते हुए दिखे, तो मैंने सोचा भाई चलो इनको हरा के एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। इन सबको हराया हमने यहाँ से। एंड यहाँ पर पता नहीं यार मेटोराइट्स के टुकड़े पड़े हुए थे, मतलब हाँ इतने बड़े गड्ढे पड़े थे ना मेटोराइट्स गिरने के बाद। एंड फिर फाइनली मेरे को यहाँ से मिल चुका था अंकल, जहाँ पर मतलब हाँ प्रोफेसर को चुरा के लेके गए थे ये लोग किडनैप, सॉरी। एंड यहाँ पर हम लोग इनको आके बोलते हैं यार हम तुम्हें हरा सकते हैं। एंड फिर मैं हम इनसे बैटल करना शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर भाई इनका दो पोकन आते हैं, जैसे माइटी आना एंड ऑफ द कॉफिंग। एंड हम लोग भाई इनके साथ में आ जाते हैं, एक एक शॉट मतलब हम इनको खत्म करने का ट्राई कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, इनका एक पोकन भी खुद ही ब्लास्ट हो जाता है भाई, लल्लू पोकन। मतलब जो भी आफ्टर उसके माइटी आना को भी हम फिनिश करते हैं। एंड इसके साथ साथ इन लॉन्डे का खत्म। एंड फिर हमारा ग्रोवाइल फाइनल स्टेज में इवॉल्व हो रहा था। एंड दिस इज जस्ट लुकिंग सो ऑसम भाई, यार क्या पोकन है यार, मुझे बहुत पसंद है सेप्टाइल भाई। जो भी आफ्टर हमने काम कर दिया था, ये लोग भाई साहब हंस रहे थे बिकॉज इनको चाहिए था चीज़। एंड बेटा ने अचानक नीचे से एक टीम एक्वा का लीडर आया एंड बोला कि भाई टीम मैग्मा तुम कितना डाउनफॉल हो चुका है भाई तुम लोगों का, तुम लोग इन बच्चों से हार गए। कोई बात नहीं, लौंडा दिखने में तो असम लग रहा था, गुंडा वंडा टाइप का तो लग ही रहा था। एंड फिर ये लोग चुपचाप इससे मेटोराइट ले लेते भाई प्रोफेसर से, मतलब भाई प्रोफेसर से मेटोराइट चुराने के आए थे बिकॉज उनका कुछ काम है एम्प्टी चिमनी में। एंड एम्प्टी चिमनी वही जगह था जहाँ से हम पहले आए थे, तो फिर हम चाहेंगे निकल पाए एम्प्टी चिमनी में। एंड यहाँ पर भाई ये लोग नहीं थे फिलहाल, अपन लोग अंदर घुसे। एंड इस लॉन्डे को बोला लिफ्ट से ऊपर पहुंचा दे हमें, मतलब ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, एम्प्टी चिमनी के माउंटेन के ऊपर, हाँ। एंड यहाँ पर हम निकल पड़े भाई साहब अपने सफर पे नहीं, ये एक ग्लाइडिंग से जो भी इसका नाम है। एंड यहाँ पर आने के बाद फाइनली हमें कुछ कुत्ते का बैटल देखने को मिली। हम भाई साहब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, कुत्ते हमें भगा रहे थे कुत्ता समझ के, बट कोई बात नहीं, फिर हम ऊपर के साइड निकल पड़े। एंड यहाँ पर हमें और कुत्तों की बैटल देखने को मिली, मतलब कुत्ता ही गैंग हर तरफ। एंड यार देखो यार कितना खतरनाक है। एंड थोड़ा आगे जाओगे तो भाई देखोगे भाई यहाँ पर तो एक कुत्ता तीन कुत्तों का संभाल रहा है, मतलब भाई पूछे आना की पावर अलग है भाई, पूछ खड़ा हुआ है। एंड फिर मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा था, एंड लॉन्डे ने रोका तो इसका हमने खत्म किया। एंड फिर आ गया भाई यहाँ पर, एंड ये मोटू भाई मेरे को देखिए यार उछल ही रहा था भाई, मतलब इसको भाई परेशानी हो रही थी मेरे से बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा दूर कर देते हैं इसकी परेशानी। एंड दूर करने के बाद हम लोग चले गए इनके बॉस के पास। एंड इनका बॉस भाई लॉन्डा यहाँ पर कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन या कुछ एंशियंट पोकेमॉन या प्राचीन पोकेमॉन को जगाने की कोशिश कर रहा था, इसे तीनों का मतलब एक ही होता है। एंड यम इस मेटोराइट से कुछ पावर वावर कलेक्ट करना चाहता था इस जगह से, बट भाई हम इसे रोक देते हैं, हम बोलते हैं भाई साहब तुम नहीं कर सकते। फिर भाई ये हमसे बैटल शुरू कर देता है, बट भाई इसके पास मेगा एवोल्यूशन का रिंग है देखो ऊपर है, लेकिन ये यूज़ नहीं करता इस बैटल में, पता नहीं कि भाई इसका सट्टा दिल है पता नहीं जो भी है। इसका भाई माइटी आना पर निकलता है, इसका अपन लोग कट करते हैं एक ही बार में लिफ ब्लेड। एंड ये मेरे को टॉन्ट मारता है, बट भाई साहब सेप्टाइल कन्फ्यूज होने के बाद भी सेप्टाइल तो सेप्टाइल है भाई, पटक ख़त्म कर देगा। एंड फिर आफ्टर इसका भाई सेकंड पोकन को ईजिली मारते हैं, मर्जा मेरे भाई, ओके हाँ जो भी है जैसे तैसे हम यहाँ से मार देते हैं दूसरे शॉट में ही। एंड फाइनली उसका थर्ड पोकन को भी सेप्टाइल फिनिश करता है। उसके बाद ये लौंडा बोलता है कैसे तुम जीत गए मेरे से, कोई बात नहीं। एंड फिर भाई ये नेक्स्ट जगह एम्प्टी कुछ उधर में जाने की कोशिश करता है, मेरे को ये मेट्रोइड का टुकड़ा देकर निकल लेता है, उसका कोई काम दाम नहीं था इससे। एंड फिर हम लोग भाई नीचे निकल रहे थे, इस जगह से भाई जब हम नीचे निकल रहे थे ना, तब हम थोड़ा बहुत नीचे आते थे, इतने नीचे गिर चुके थे हम कि हमें एक सिटी मिल चुका था न्यू। एंड इस सिटी में एक जिम भी था जो कि फायर टाइप था, जिसकी जिम लीडर थी फ्लैनरी, जो कि मेरी फेवरेट जिम लीडर में से एक है, बहुत पसंद है भाई वो लॉन्डिया मेरे को, उसका भाई मतलब गुस्से वाला चेहरा। एंड फिर भाई मैं यहाँ से आगे निकल गया। एंड यम जैसे तैसे भाई थोड़ा और आगे निकलने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ भाई बंदे मिल गए, जिनको मैंने सोचा चल भाई कूटते हैं इनको। एंड कुछ तब कूटने के बाद एक एक शॉट में मुझे यहाँ पर कुछ बबल्स दिखा, मैं यहाँ पर जा ही रहा था, मुझे एक निंजा हथौड़ी का भाई दिखता है, छोटा भाई निंजू हथौड़ा, जिसको हम हराते हैं यहाँ से। एंड थोड़ा भाई स्ट्रगल करने के बाद फाइनली हम पहुँच जाते हैं फ्लैनरी के पास, जो कि भाई मेरे को देखते ही पता नहीं भाई साफ ये लॉन्डिया पहले तो कूल लग रही थी, फिर इसका मुंह खुल जाता है, वेलकम भाई कैसे चिल्ला रही थी लॉन्डिया, मतलब भाई जो भी हो। एंड फिर इससे हमें बैटल शुरू हो जाती है। एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन प्यासा स्लगमा होता है,
RIP स्लगमा बिकॉज मेरे पास था खतरनाक पोकेमोन जिसे एक शॉट में खत्म हो गया। फिर टॉर्कोल आता है जो भी एक शॉट में खत्म होता है एंड फिर उसका लास्ट पोकेमोन भी एक शॉट में खत्म होता है। बेचारी हारती है एंड मुझे अपना जिम बैच देती है एंड फिर भाई साहब हम लोग इस सेटे से निकल ही रहे थे कि अपनी प्यारी से मैं मुझे मिलते हैं मेरे को एक चौक दी एंड फिर इसने मेरे को गॉगल्स दिए जिसके साथ हम जा सकते हैं आगे एंड फिर ये मुझे लिटिल लोड सिटी में लेके लिटिल लोड पेटलबर्ग में लेके आई बिकॉज यहाँ पर मैं जिम बैच था और एक बिकॉज यहाँ पर मेरे डैड थे राइट एंड फिर हम लोग भाई डैड को आने आके एंड जिम का एक नियम है भाई तुम दो में से एक डोर को चॉइस कर सकते हो एक हल्का होगा एंड स्वर्ग का होगा एक मतलब ऐसा नहीं था मतलब जो भी दो में से एक डोर अगर तुम सही डोर को चॉइस करते हो तुम जल्दी जल्दी जिम लीडर के पास जा सकते हो एंड जब तुम बंदों को हराते हो फिर नेक्स्ट डोर खुलेगा एंड फिर ऐसे करते हुए मैंने दो डोर चॉइस कर ली थी एंड फिर और एक लॉन्डिया मुझे यहाँ पर मिल चुकी थी भाई मैं गलत डोर चॉइस कर रहा था एंड जो भी आफ्टर एड मैंने और एक डोर चॉइस किया एंड यहाँ पर मेरे को लास्ट भाई एक ही डोर दिखा मतलब यहाँ पर जिम लीडर होने वाले थे तो मैंने इस लॉन्डे को हराया निकल पड़ा भाई जिम लीडर को ढूंढने एंड ये मेरे फादर नॉर्मन पता नहीं भाई क्या ही कर रहे थे सस्तने से जो भी बोलो इसे एंड भाई साहब यहाँ पर मुझे गेम की ग्राफिक की पता चली यार एंड यहाँ पर मुझे इन्होंने बोला कि भाई साहब तुम ऑलरेडी जिम बैच काफ़ी जीत चुके हो एलेक्स दैट्स गुड अब तुम मुझसे बैटल करने के लायक हो चुके हो तुम इतना स्ट्रॉन्गर बन चुका हो फिर हम इनसे बैटल करना शुरू कर देते हैं भाई साहब हम इनको ज़रूर हराएंगे चाहे कोई भी हो ये तो भाई देखिए इनका भाई एक नॉर्मल टाइप जिम है एंड इसके पोकेमोन नॉर्मल टाइप होने वाले हैं सबसे पहले सोतुला पोकेमोन आता है जो कि भाई साहब बहुत गंदी तरह से होता है जैसे मैं सोता हूँ एंड फिर भाई इसको मैं एक शॉट मारता हूँ एंड ये मेरे को वेगॉन अटैक करता है जिसका तुम्हें पता है सेकंड स्टेप में सो जाता है मेरे पोकेमोन बट मैं पोकेमोन चेंज करके टॉर्कोल से यार फिनिश आउट करता हूँ लावा अटैक करके RIP जो भी पोकेमोन है इसका नाम एंड फिर भाई जब इसका सेकंड पोकेमोन ये आता है जो कि एक शॉट में मेरे कर्ले को फिनिश करता है फिर मैं सोचते हैं बदला लेंगे सेप्टाइल से हम एक शॉट मारते हैं बट उसका सेकंड पोकेमोन आता है एंड वो भी भाई एक शॉट मारता है सेप्टाइल की ऐसी की तैसी भाई साहब इज्जत ही नहीं है जो भी टॉर्कोल से फिनिश आउट करता है एंड फिर हमें मिलता है इनका जिम बैच जो कि लुकिंग में टॉप भी था एंड फिर अपन लोग यहाँ से बाहर ही आ रहे थे कि मुझे भाई वो लौंडा दिखाओ एंड ये भाई अपने घर आया था इसीलिए वो तो कुछ चीज़ें वीज़ें भूल गया था यहाँ पर एंड फिर इसके डैड बोले थैंक यू यार तुम लोगों ने इसको फर्स्ट फोन कैच कर पाया इतना कुछ ट्रेन वेन कराया एंड फिर इसलिए इसके डैड मुझे सर्व देते हैं एंड फिर लौंडा मेरे पापा बोलते कि रोड तुम वन जो भी रोड है उधर पर जाओ एंड ये लौंडा भाई मेरे को वहाँ पर ले आता है एंड उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 188 रोड के अंदर एंड यहाँ पर आने के बाद हम कुछ बंदियों से बैटल करते हैं एंड फिर हम लोग आगे आ जाते हैं यहाँ पर मेरे पोकेमोन भी दिखता है इसको मैं स्किप कर देता हूँ थर्ड की पोकेमोन एंड फिर यहाँ पर आने के बाद मेरे कुछ टैबन दिखता है क्योंकि मेरे को पहचान नहीं रहा था फिर भाई उसके बाद उसने मेरे को पहचाना एंड उसी बीच ये जा ही रहा था कि अचानक से भाई किसी पोकेमोन के चिल्लाने की आवाज़ आती है हमें क्योंकि हमें ही पुकार रही थी प्यार्स ही एंड ये थी भाई लाटियस एंड लाटियस भाई साहब यहाँ पर आई थी कुछ हेल्प के लिए किसके कुछ हेल्प किए था हम बोले भाई लाटियस चलो भाई हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे एंड स्टेफन ने कहा चलो भाई एलेक्स चलते हैं भाई इसके पेट में बैठ के तो अपन लोग निकल पड़े भाई इसके पेट में बैठ के छोटे पोकेमोन के एंड उसके बाद लाटियस हमें ले गए भाई साहब यहाँ से बहुत ही दूर एक आइलैंड में हवा में उड़ा उड़ा के एंड फिर इस आइलैंड पे आने के बाद में स्टेफन सोचते भाई ये वही डेंजरस आइलैंड जहाँ पर मेगा एवोल्यूशन का कुछ सीक्रेट विकेट छुपा हुआ तो हम लोग आ जाते हैं इस आइलैंड में थोड़े आगे जाने के बाद फाइनली मेरे को मिलता है यहाँ पर लाटियस पता नहीं यहाँ पर सस्ते से कर रहा था बट ये पोकेमोन हमें मिलता है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल होता है भाई स्टेफन ऐसा बोल रहा था मैं नहीं एंड यहाँ पर भाई उसके बाद टीम मैगमा आ जाते हैं हमें पता चलता है कि इसलिए भाई लाटियस ने हमको यहाँ पर लाया था बिकॉज उसने टीम मैगमा को पहले देख लिया था एंड मैं इसके भाई छोटे बचा सकूँ इसको तो इसलिए हमें इसने लाया था एंड या मुझे लाटियस मेगा एवल भी हो सकता है तो आफ्टर भाई इससे हमारी बैटल शुरू हो जाती है हाँ इस लौंडिया से ही एंड भाई इनका शक्ल देखो भाई लगता है चुसे हुए आम है बट कोई बात नहीं आप टाइट भाई इनके भाई बैटल शुरू होते हैं हमसे एंड हमारे पोकेमोन तो भाई पावरफुल थे ही तो मैं और स्टेफन मिल के इनके एक पोकेमोन को यहाँ से इसी तरीके से काउंटर कर देते हैं भाई स्टेफन ही अकेला कर सकता था बट मैंने हेल्प करी थोड़ी बहुत एंड फिर भाई इसका एक अटैक खतरनाक पड़ता है एंड हमारा भाई लल्लू अटैक से इसका कुछ नहीं हो रहा था बट बेचारा स्टेफन का मैटैंग आ रही थी बट कोई बात नहीं उसके बाद हम इसे फिनिश आउट करते हैं एंड ये लोग भाई ऐसे निकल रहे दुम दबा के एंड फिर यार लाटियस खुश हो जाता है हमारी टीम को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि हमने उसे बचाया था यार एंड हमें स्टेबन देता है मेगा ब्रेसलेट एंड उसके बाद हम लोग यार प्यार से लाटियस के ऊपर बैठ के चल जाते हैं एंड फिर हम लोग भाई इधर पर मेगा रिंग का टेस्टिंग करने वाले थे फर्स्ट टाइम तो हमें ये बेचारा पोकेमोन मिलता है जिसके ऊपर हम करते हैं अपना मेगा एवोल्यूशन का फर्स्ट टेस्टिंग आहा कितना ऑसम लग रहा है भैया लौंडा एंड फिर एक ही ड्रैगन ब्रीथ के साथ ये फिनिश आउट बेचारा एंड फिर हम लोग काफ़ी देर तक ट्रेवल करते हैं यहाँ पर आके देख के भाई टीम मैगमा कुछ जगह भाई ब्लॉक करके बैठी है भाई बारिश वारिश चल रही थी एंड टीम मैगमा आगे जाने का मौका नहीं दे रही थी एंड फिर हम सोचे इस वेदर इंस्टीट्यूट में हम चलते हैं भाई साहब एंड यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर ऑलरेडी टीम मैगमा का कब्जा चल चुका है भाई लॉन्डे कहीं पर भी कब्जा कर लेते हैं भाई ये लोग यहाँ पर इसलिए आए थे बिकॉज इन्हें एक लेजेंडरी पोकेमोन का लोकेशन चाहिए था एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये लौंडा भाई यहाँ पर पता नहीं लोगों से कुछ लेजेंडरी पोकेमोन का नोटिफिकेशन मतलब हाँ लोकेशन चाह रहा था इसने छीन भी लिया भाई इन लोगों से इनका भाई कुछ रिसर्च हाँ एंड फिर भाई इसको मैं हराता हूँ एंड ये लौंडा यहाँ से भाई निकल जाता है कुछ गालियाँ वालियाँ देता है मेरे को एंड आफ्टर दैट ये निकलता है एंड या
फिर भाई हम लोग इनसे मिल जाते हैं एंड ये लोग हमें बोलते हैं तुमने हमें बचा लिया एलिक्स एंड बट भाई कुछ एंशियंट पोकेमॉन का डाटा हमने कलेक्ट की थी एंड ये लोग भाई उसको लेके जा चुके जिसका नाम है प्राइमल ग्राउडोन एंड ऐसे तैसे हमारी बातचीत हो रही थी एंड उसके बाद ही भाई हम लोग आगे निकल जाते हैं बिकॉज टीम मैग्मा यहाँ से जा चुकी थी एंड उसी बीच हमें मिलती है वापस से मे एंड मे का काम ही क्या है भाई उसको भाई साहब क्या ही था हमसे बैटल करना था लॉन्डिया काफ़ी सख्त है बट भाई इसके पोकेमॉन नहीं है मैंने भी इसको हराने के बाद फाइनली ये मेरे को फ्लाई देती है TM2 जिसके साथ हम कभी फ्लाई कर सकते फिलहाल मतलब हाँ उड़ सकते थे बतख की तरह एंड फिर हम लोग नई सिटी में आ गए थे एंड फिर नई सिटी में आने के बाद यहाँ पर भाई साहब काफ़ी अजीब अजीब घर थे तुम ऊपर जाओगे ना तो फिर एक ट्री हाउस मिलेगा एंड ये घर भाई क्या ही ऑसम था मुझे ऐसा घर सच में चाहिए एंड फिर जो भी हुआ हम यहाँ से आगे भाई सब जिम को चैलेंज करने बिकॉज इस सिटी में भी एक जिम था बट लक ख़राब था भाई जिम में पता नहीं भाई जा ही नहीं पाते कुछ भाई इनविजिबल कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर था कि हमें आगे जाने से रोक रहा था फिर हम थोड़ा और आगे निकल गया एंड आगे निकलते निकलते भाई हमें निकला यहाँ पर स्टेपन जो कि पता नहीं सस्पेंस से करके यार थोड़ा आगे निकल रहा था रोड 20 या कुछ उसी के लिए तो हम लोग भी भाई इसका पीछा करने का सोचा एंड हम उसके पीछे पीछे भाई सब आ गए एंड यहाँ पर मैं कुछ स्टेपन दिखा जो कि भाई यहाँ पर पता नहीं सस्पेंस से कर रहा था एंड भाई आफ्टर दैट ये बोलते यहाँ पर तुम्हें कोई हिडन ऑब्जेक्टिव दिख रहा है मैं बोलता नहीं भाई नहीं दिख रहा फिर ये मुझे बोलता है मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा एंड तुम भाई उससे बैटल कर लो ठीक है एंड फिर भाई ये मेरे को एक पता नहीं कुछ गियर वेयर देता है जिससे मैं इस पोकेमॉन को फाइनली जीत पाता हूँ डेवन स्कोप या जो भी इसका नाम है फाइनली ये पोकेमॉन को मैं हराता हूँ एंड फिर मुझे सेप्टाइल टाइट लाइट मिलता है जो कि भाई साहब सेप्टाइल का मेगा विशेष स्टोन था एंड फिर क्या था भाई मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जिम के पास एंड इस पोकेमॉन को देख लेता हूँ स्कोप का यूज़ करके एंड हटाता हूँ इसको एंड फिर मैं जिम के अंदर घुस जाता हूँ एंड मुझे अभी सेप्टाइल का मेगा विशेष स्टोन को यूज़ करना था एंड आई थिंक इट्स ए फ्लाइंग टाइप जिम या मुझे लग रहा है बट कोई बात नहीं सेप्टाइल का मेगा विशेष स्टोन यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हमने सेप्टाइल का भाई फर्स्ट टाइम मेगा विशेष स्टोन यूज़ किया इसके फर्स्ट बंदे के अगेंस्ट एंड फिर क्या था भाई मेगा सेप्टाइल एक ही रॉक टर्म के अंदर पोकेमॉन को फिनिश कर देता है ओपी सेप्टाइल एंड फिर भाई हम लोग जैसे तैसे आ जाते हैं जिम लेडी के पास एंड जो कि भाई एक लॉन्डिया थी एंड पता नहीं भाई क्या कर क्या रही थी लॉन्डिया हवा खा रही थी क्या ऐसा कौन खाता है पूरा दिन हवा ही खाती रहोगी यार सर्दी वर्दी आ जाएगा जो भी हो फिर जो भी हो इसके साथ हमारी बैटल शुरू होती है एंड गया इसके पास पोकेमॉन होता है एक स्वेलो हमें निकालते हैं भाई सेप्टाइल वेप्टाइल एंड किस करते हैं मेगा इवॉल्व एंड इसी के साथ साथ एक रॉक टर्म के साथ इसका प्यासा स्वेलो RIP एंड फिर इसके सेकंड पोकेमॉन को भी एक शॉट में निपटा दे नहीं क्या अच्छा कोई बात नहीं फिर जो भी है मैं सेप्टाइल को उसका सजा देता है बाद ही उसके बाद मैं इसको निपटा देता हूँ दूसरे शॉट में ही इसका स्कारमोरी को भी हम लोग इजी तरीके से ड्रैगन बीच से फिनिश आउट करते हैं एंड या उसका लास्ट पोकेमॉन अल्टेरिया था जिसको भी हम लोग बहुत इजी से फिनिश आउट नहीं कर पाते बट या पहला इस करने के बाद दूसरे शॉट के अंदर तो भाई हम इसे इजीली फिनिश कर ही सकते थे हमने दूसरे शॉट के अंदर इसे इजीली फिनिश कर दिया एंड हमने ले लिया इसे उसका जिम बैज ये जिम बैच इतना अच्छा नहीं था लुकिंग में बट कोई बात नहीं उसके बाद हम इसे सिटी से मतलब इसके जिम से बाहर निकलते हैं सिटी से बाहर निकल के काफ़ी देर तक ट्रैवल करते हैं एंड यहाँ पे कुछ सस्ते नशे वाले लॉन्डा मेरे को मिलते हैं इनको हराने के बाद फाइनली मेरा एरॉन अपने सेकंड स्टेज में इवॉल्व हो रहा था मेरे इसका सेकंड स्टेज का नाम मेरे को नहीं पता क्या नाम है भाई तेरा नहीं देखा मैंने बट जो भी अपडेट में यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर आने के बाद रोड 22 आई थिंक कुछ ऐसा ही था यहाँ पर एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एम्प्टी प्रे नाम का कुछ चीज़ें मतलब एम्प्टी प्रे नाम का कोई माउंटेन यहाँ पर था एंड यहाँ पर वो बोला था कि ऑलरेडी वो आएगा पता है तुम टीम मेंबर का लीडर ने कहा था पहले ठीक है एंड इसका एम्प्टी प्रे या एम्प्टी प्रे जो भी है मैंने पढ़ा नहीं सही था नाम एंड फिर यहाँ पर जाते थे मुझे कुछ लॉन्डे मिल गए या कुछ लॉन्डे अभी तुम बोल सकते हो एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकला एंड फिर मुझे यहाँ पर वो माउंटेन मिल चुका था फाइनली एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा था तो भाई इसमें ट्रैवल करता रहा एंड उस बीच मेरे को दिखे टीम मैग्मा ऑलरेडी भाई लॉन्डे कब्जे कर चुके थे यहाँ पर एंड फिर भाई मैंने इनके कुछ चमचे को यार कूटा यहाँ से एंड कूटने के बाद मैं जाकर चला गया इनके लीडर के पास क्योंकि भाई साहब यहाँ से रेड ऑर्ब को लेने आया था जो कि प्राइमल ग्राउडन को जगा सकता है एंड ऐसे रोकना तो बट ये लौंडा बोलते हैं मेरे पास तुम्हारा बैटल करने के लिए टाइम नहीं है मुझे पास एक सेकंड वेस्ट करने के लिए नहीं है एंड ये इस लौंडे को बोलते हैं तुम इस लौंडे से बैटल कर लो एंड इसको भाई ऑलरेडी हम धूल चका चुके थे इस लड़की को तो क्या ही भाई इससे बैटल करने का मौका मतलब बेकार था बट कोई बात नहीं झंड लाइफ से मुझे इस लौंडे को बढ़ाना था तो इसको मैंने चुपचाप यहाँ से शांत करवाया एंड फिर ये लौंडे भी निकल ली एंड बाद में हमको यहाँ से ब्लू ऑर्ब मिल गया बिकॉज रेड ऑर्ब चुराया जा सकता था एंड ब्लू ऑर्ब मुझे सेव रखा था अपने पास एंड फिर भाई हम लोग पोकेमॉन के ऊपर फ्लाई करके निकल पड़े नेक्स्ट सिटी में या बिकॉज हमें भाई टीम मैग्मा को ढूंढना था एंड नहीं या टीम मैग्मा को ढूंढना था एंड उसके बाद हमें वही सिटी में दिखती है भाई साहब कि टीम मैग्मा सबमरीन लेके चुरा के भाग चुके हैं वही सिटी था भाई साहब जहाँ पर हमने पार्ट्स डिलीवर किए थे चीज़ों के राइट तुम्हें याद होगा हमने सबमरीन के पार्ट डिलीवर किए थे एंड फिर मैं थोड़ा और आगे वाले सिटी में आ जाता हूँ जहाँ पर ऑफकोर्स की टीम मैग्मा का एक वेस्ट था एंड जिसको हमें जाके भाई उनको भाई ख़त्म करना है ताकि भाई उनसे हमें रेड ऑर्ब छीनना है एंड साथ ही साथ उनको भाई रोकना है
एंड पता नहीं वो सबमरीन का क्या करने वाला है भाई थे भाई। एंड फिर मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रैवल करता हूँ, करीब 20-30 मिनट तक ट्रैवल करता है। एंड फिर मुझे यहाँ से पाँच बंदे दिखते हैं भाई, मुझे एक लौटने के बाद भाई टपक रहे थे। मैं सोचा भाई एक लौटने के बाद पाँच लौटने क्या कर रहे हैं, ये तो भाई नाइंसाफ है बहुत गजब का। बट कोई बात नहीं, इनके पास पास पूछे आना चाहिए तो छोटे मोटे थे एंड जिनको मैं भाई गंदे तरीके से यहाँ से बीट बीट कर रहा था। एंड फिर एक ही शॉट के अंदर चारों के चारों की फिनिश। एंड आफ्टर मुझे यहाँ से दिखी एक लौंडी आ चुकी भाई सब क्या पर बता नहीं यार, इन लोगों ने इसने कर रहा था कि यार इनने इस सबमरीन को मॉडिफाई कर दिया, मतलब भैया वही सबमरीन चुराया जा रहा है, इनने भाई क्या ही शक्ल बना दी इसकी। एंड फिर लौंडिया बोलते बॉस इसके अंदर है एंड मैं तुम्हें उनको रोकने से रोकूंगी। एंड ये हमसे टाइम वेस्ट करने के लिए हमसे बैटल शुरू कर देती है एंड उसके बाद मैं इस लौंडे को इजी तरीके से बीट करता हूँ। एंड ये लोग भाई उसी टाइम पे मौका उठा कर निकल लेते हैं और फिर भाई मुझे ढूंढते जहाँ पर मास्टर बॉल मिल जाता है फ्री का। यस फ्री का चीज़ कौन छोड़ता है राइट। एंड फिर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत और आगे था जहाँ पर मुझे एक लौंडिया मिलती है एंड जिसको मैं हराता हूँ यहाँ से। एंड फिर हम थोड़ा और आगे निकल पड़ते हैं एंड उसी बीच हमें और एक सिटी मिल जाती है जिस सिटी में भाई और एक जिम विम था तो हम उसके लिए निकल पड़े। एंड जब तक टीम में का कोई पता नहीं लगता जिम को हराना पड़ेगा हमें। यहाँ पर भाई दो जिम लीडर थी या था मुझे पता नहीं, बट यार जो भी उन लोगों से मैं बैटल करने के लिए या कुछ चमचों को मुझे हराना पड़ेगा। एंड चमचों को जब तुम हराओगे ना एंड आफ्टर इट में यहाँ पर कुछ बटन दिखेंगे जिसको ऑन करने के बाद न्यू रास्ता खुलेगा। एंड ऐसे करते करते जब तुम हज़ारों लाखों करोड़ों बटन खोल दोगे फिर तुम्हें यहाँ पर कुछ एक दिव्य रास्ता मिलेगा जिसका प्रयोग करके तुम जा सकते हो जिम लीडर्स के पास, जो कि भाई एक लौंडा एक लौंडिया थी जो कि अपोजली भाई बहन थे। एंड ये लोग भाई हार्ट कनेक्शन था इनका, दिल से बात करते थे मतलब मुंह से नहीं, अजीब गरीब लौंडिया लौंडिया थे वे। बट कोई बात नहीं, इनसे हमारे बैटल शुरू होते हैं। इनके पास बस दो ही पोकेमोन थे, मतलब यार मैं आ गया हूँ यहाँ पर सेवंथ जिम में एंड दो ही पोकेमोन इनके पास। बट कोई बात नहीं, फिर कहता हम इनके साथ बैटल शुरू करते हैं। इनको भाई सब गजब तरीके से यहाँ से बीट करना शुरू कर देते हैं भाई, जो बहुत ईजी तरीके से बीट तो नहीं कर पाते। फिर इसने पोकेमोन शनशाइन करता है जो कि भाई सेप्टाइल के लिए अच्छा है भाई, बिकॉज ऐसे टाइम पर भाई ग्रास टाइप मूव ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो सेप्टाइल ने ईजी तरीके से फिनिश आउट किया। एंड फिर भाई ड्रैगन ब्रीथ मतलब हाँ फ्लाई करने के लिए ऊपर गया बट पोकेमोन भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं सेप्टाइल ने से फिनिश आउट कर दिया। एंड फिर हमें मिला जिम बैज एंड इसके साथ साथ हम बाहर निकल गए। एंड बाहर निकलते ही भाई साहब हमें एक भूकंप अर्थक्वेक एंड हमें दिखाई यहाँ पर भाई कान फाड़ देने वाली आवाज़ है, एक बीम जो कि एक सिटी से आ रही थी। एंड भाई सब कुछ डर गया था यार, एंड सेवन भी यहाँ पर था एंड हर कोई भाई डरा हुआ था यहाँ पर। एंड हमें यहाँ पर दिखता है भाई एक न्यू जगह इन्वेंट हो चुकी है, मतलब कुछ जगह तो खुल चुका था, एक सील वील खुल चुका था। एंड फिर यहाँ पर सेवन दिखता है जो कि हमें ही ढूंढा था ऑलरेडी, बट हम जिम में गए थे तो ये हमें नहीं मिल पाता। एंड फिर बोलता है चलो भाई घर पर चलते हैं, घर पर जाकर बात करते हैं, कुछ सीक्रेट बात था। एंड फिर ये हमें बोलता है यार टीम मैग्मा ने यहाँ पर कुछ सील वील को तोड़ दिया जो कि लेजेंडरी पोकेमोन का था एंड यहाँ पर जाना मना था इतने देर से, बट उन्होंने तोड़ दिया तो आप कोई भी जा सकता है। एंड ये रोड 128 पे है एंड यहाँ पर तुम जाओ एंड उनको सेव वेव करो। एंड इसी के लिए भाई वो मेरे को यार कुछ चीज़ें भी देने के सोच रहा था, मतलब देता है ठीक है। एंड वो नहीं जा सकता बिकॉज उसका कुछ ड्यूटी व्यूटी था, तो कंप्लीट करके वो आएगा ठीक है। तो इसने उसके बाद मेरे को डाइव दिया एंड एक सूट दिया जिसके सहारे मैं अंडर वाटर जा सकता हूँ। एंड फिर मुझे रोड 128 जाने के लिए कहा एंड इसका वेट करने के लिए भी कहा वहाँ पर, तो हम उसके लिए निकल पड़े आगे की साइड रोड 128 में। एंड यहाँ पर भाई कुछ देर ट्रैवल हमने किया एंड फिर हम पहुँच गए उसी जगह पर जहाँ पर ये कांड वांड हुआ था। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड एक सिटी बेटी होनी चाहिए जितना मुझे याद है, ये अंडरग्राउंड कुछ कांड वांड होता है यहाँ पर जो कि हमें जाना है। तो भाई हम यहाँ पर भाई निकल पड़े अंडरग्राउंड पर वो जगह ढूंढने जो कि यहाँ पर भाई बन गया था न्यू ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे पता नहीं उल्टा पुलटे कुछ लौंडे दिखे, हमें सोचा भाई इनके साथ कुछ हादसा वादसा थोड़ी हुआ है। फिर दिखता नहीं भाई नाच रहे थे यार, यहाँ पर मेरे को पता चलता है मेरा सेप्टाइल अंडर वाटर सांस ले सकता है, गजब का दो के पास पोकेमोन है भाई ये अंडर वाटर चल पाता है। बट कोई बात नहीं, आफ्टर इट मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वो दिखता है एंड ये वो सील था जो कि ऑलरेडी टूट चुका है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं ऊपर से मतलब ऊपर ड्राइव करते हूँ वापस से एंड ऊपर ड्राइव करने के बाद मुझे यहाँ पर सरफेस दिखता है। यहाँ पर दिखता है टीम मेंबर का वही शैतानी सबमरीन जो उन्होंने चुराया था। एंड फिर यहाँ पर एक केव में कुछ मिलता है जो कि केव काफ़ी बड़ा था एंड इसमें भाई काफ़ी टाइम तक जब तुम ट्रैवल करोगे ना लगभग भाई तुम्हें 20-30 मिनट तो यहाँ पर ट्रैवल ही करना पड़ेगा। एंड यहाँ के काफ़ी सारे बंदे भाई गार्ड्स जिनको मैंने हराया हो चुपचाप शांति भरी नजरों से। एंड आफ्टर डेट हमें भाई कुछ देर ढूंढने के बाद यहाँ पर मिल गया जहाँ पर भाई वो कुछ एंशियंट एंड लेजेंडरी पोकेमोन को जगा रहे थे वो जगह। एंड यहाँ पर आने के बाद हमें दिखा यार ये लौंडा क्योंकि अफकोर्स ये भाई साहब बिल्कुल इविल जैसा हरकत कर रहा था कि बोल रहा था मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। नहीं मेरे को बोल रहा था यार एलिस तुम मुझे रोकना चाहते थे ना, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली पावर एंड मैं इस एंशियंट पोकेमोन को जगा के इस पूरे वर्ल्ड के पूरा जो लैंड है उसको बहुत बड़ा कर दूंगा एंड जिससे ह्यूमैनिटी बहुत आगे पहुंच जाएगी, मतलब ये भाई ज़मीन को बड़ा करना चाहता है। एंड इसे मैं रोक नहीं सकूँ इसलिए मैं इसे बैटल शुरू करता है। एंड या द लीडर मैक्सी एंड इस मैक्सी लीडर को हराने के लिए मैं अपने सेप्टाइल को करता हूँ मेगा इवॉल्व।
भाई मेगा सेप्टाइल से लड़ लियो फिर दिखाऊंगा मैं देखो। एंड आफ्टर दैट भाई साहब एक एक्स यूजर से भाई इसका माइटी आना खत्म एंड उसका सेकंड पोकेमोन तो ब्लास्ट हो जाता है, हमें डैमेज पड़ता है उसका भाई भाई। एंड फिर इसका थर्ड पोकेमोन को भी हम लोग बहुत ईजी तरीके से ऐसे रॉक टम मारते हैं जिससे भाई इसका खत्म नहीं हो पाता। एंड गलती से यार मेरा सेप्टाइल पिट जाता है लौंडा भाई कतई जहर। एंड फिर जो भी एरॉन इसे खत्म एग्रॉन का एवोल्यूशन खत्म करता है इसे। एंड लास्ट पोकेमोन का भाई इसका मेगा इवॉल्व हो जाता है, टाइड रुक गया यार तो मुझे बट कोई बात नहीं। आफ्टर दैट भाई ये लौंडा मेरे को रक टम करता है एंड हमारा एक ही सब से हम इसे नहला देते हैं मेगा पोकेमोन राइट। एंड आफ्टर दैट भाई ये लौंडा बोलता है नहीं मैं नहीं रुकने वाला। एंड उसी बीच भाई इसका चमचाते हैं आके बोलते हैं बॉस आई थिंक ये करने से भाई कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा अर्थ का बहुत नुकसान। बट ये मानता नहीं है भाई, ये भाई अपने चमचे की बात नहीं मान रहा। एंड फिर डैड आपको यूज याद करता है एंड प्राचीन पोकेमोन लेजेंडरी पोकेमोन का शील टूट जाता है एंड ये जिंदा हो जाता है। एंड हम लोग भी डर चुके थे क्या होने वाला है यहाँ पर, आसपास देखने के बाद ऊपर देखते हैं एंड तुरंत ही भाई एक खतरनाक तरीके से चमक उठता है और भाई साहब एक ब्लास्ट करता है जिस ब्लास्ट के साइड में ऊपर पहुँच जाता है। एंड ऊपर पहुँचने के बाद ये लौंडा भाई साहब पूरे सूरज को आग की तरह कर देता है, मतलब पूरा आसमान से आग टपक रहा है भाई आसमान से। एंड फिर ये लौंडा निकल जाता है एक सिटी के और, मतलब भाई सिटी तबाह होने वाली है अगर हमने इसे नहीं रोका। अब भाई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ चुका था एंड फिर ये लौंडे को समझ आता है कि भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, हमें इन सबको मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम टीम अप करने के लिए रेडी थे कोलैबोरेशन करके भाई इसको जैसे तैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड फिर हम ऊपर आ गए एंड इन लोगों ने कहा कि नेक्स्ट सिटी जा रहे हैं एंड वहाँ पर मुझे भी आना है ठीक है। एंड वो एक अंडरग्राउंड सिटी है एंड यार ये लोग बोलते हैं मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ तुम कर सकते हो ऑलरेडी। एंड फिर यहाँ पर भाई सेवन भाई आ रहा होता है, मतलब लौंडा भाई इतना लेट भाई तू काम करके इतना लेट क्यों आया जब दुनिया ही तबाह होने वाली है, काम का ही क्या फ़ायदा जब दुनिया तबाह हो जाएगा। एंड फिर ये लौंडा बोलता है यार पूरा सब कुछ तबाह होने वाला है, हमें नेक्स्ट सिटी में जाके उसको रोकना पड़ेगा, वहाँ पर मेरे एक दोस्त है एंड एलेक्स तुम जल्दी वहाँ पर आओ मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूँगा। एंड फिर ये लौंडा अपने पोकेमोन के ऊपर फिर से बैठता है एंड हवाई सफारी पर निकल जाता है, हमको ले जाता है यार। फिर जो भी हो उसके बाद हम लोग आ गए भाई उस सिटी के लिए। एंड यहाँ पर भाई एक डाइव करने के बाद कुछ देर तक ढूंढने के बाद मुझे वो सिटी यहाँ से मिल जाती है। एंड जब हम ऊपर जाते हैं तो फाइनली भाई वो सिटी यहाँ पर हमारे आँखों के सामने होती है। एंड इस सिटी में आने के बाद भाई जिम में मैं जाने की ट्राई तो कर रहा था बट भाई ऑलरेडी जिम लॉक था, चकाफ जिंदगी से झंड हो गया। एंड फिर जो भी ऑफ राइट में थोड़ा और आगे निकल पड़ा एंड यहाँ से भाई मुझे को फाइनली यहाँ से सेवन मिल चुका था। एंड ये भाई इस सिटी का जिम लीडर के साथ यहाँ पर था एंड ये मेरे लिए वेट कर रहा था जो भी हो। एंड फिर ये जिम लीडर भाई मेरे को बोलता है कि मैं इस सिटी का जिम लीडर हूँ एंड ऑल्सो केव ऑफ ओरिजिन का रखवाला भी एंड तुम मुझे फॉलो करो लड़के। एंड जाते जाते अचानक भाई सेवन आसमान में देखते हैं एंड ये बोलते हैं यार अगर सनलाइट को जल्दी नहीं रोका गया तो ये पूरे होन रीजन को अपने अंदर निकल लेगा, मतलब तबाह कर देगा गर्मी से एंड पेड़ पौधे सब तबाह हो जाएंगे। एंड फिर हम लोग यहाँ पर आ ही रहे थे कि हमें दिखता है टीम मैग्मा यहाँ पर खड़ी हुई है एंड ये लोग भाई यहाँ से अंदर जाने के लिए मेरा सपोर्ट कर रहे थे। एंड फिर ये लौंडा भाई मुझे एक चीज़ गिफ्ट करने की सोच रहा था जिसके सारे हम प्राचीन पोकेमोन ग्राउंड उनको छू सकते हैं, अफकोर्स नेचर के फोर्स को थोड़ा बहुत सहन कर सकते हैं, कुछ मैग्मा सूट था जो कि लावा के गर्मी को थोड़ा प्रोटेक्शन करता है। एंड फिर ये लोग बोलते हैं इससे काम नहीं होने वाला, लेकिन जीवले बोलता है इस लौंडे के पास ब्लू ऑर्ब है जो कि इसको और भी प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करेगा बचने के लिए। अफकोर्सली भाई टीम रेड ऑर्ब के ओरा से बचने के लिए ब्लू ऑर्ब काम ही ज़रूर आएगा ठीक है। तो भाई साहब इसके सहारे हम अंदर जा सकते हैं एंड यहाँ पर जो केव ऑफ ओरिजिन था यहाँ पर जाना सबके लिए बैन है तो सिर्फ मैं अकेला ही यहाँ पर जा सकता हूँ ठीक है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ब्लू ऑर्ब है तो हम जा सकते हैं अंदर। एंड फिर ये सब मुझे बोलते हैं कि यार हम तुम्हारा विश्वास करते हैं, हम आगे लेके यहाँ पर रखवाली करेंगे ताकि ऊपर कुछ गड़बड़ हुई तो हम वो संभालेंगे एंड ह्यूमैनिटी अब तुम्हारे हैंड पे। एंड उसी वक्त हम जा ही रहे थे कि अचानक मेरे पीछे से आती है ना हमें बोलते हैं एलेक्स मैं टीवी पे देख रही थी कि न्यूज़ देख रही थी कि यार तुम यहाँ पर जा रहे हो। एंड फिर टीम में एक साथ एक कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में ये बोलते हैं एलेक्स तुम जरूर से कुछ कर पाओगे बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। एंड फिर क्या था भाई हम मौत के कुएं पे जाने वाले थे यहाँ पर एंड ग्राउंड उनके हमें रोकना था आगे जाके, तो हम लोग भाई निकल पड़े केव ऑफ ओरिजिन के अंदर। एंड यहाँ पर जाने के बाद ही भाई कुछ देर ट्रैवल हम कर रहे थे कि अचानक एक भूकंप आता है, मतलब ग्राउंड भाई जमीन के अंदर तबाही मचा रहा था लौंडा भाई साहब। एंड फिर हम लोग उसी जगह पे आ भी जाते हैं जहाँ पर भाई ग्राउंड छुपा हुआ था। एंड यहाँ पर आने के लिए भाई साहब हमें एक सूट भी चाहिए होगा बिकॉज ग्राउंड के ऊपर जाने के लिए एंड ग्राउंड को भाई टच करने के लिए हमें एक सूट बनाया गया था जो कि टीम मेंबर ने हमें दिया था वो हमें पहना। एंड फिर हमने यहाँ पर ब्लू ऑर्ब को भी यार फिट कर दिया ताकि भाई कोई दिक्कत ना हो। एंड फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन शील्ड लगने के बाद ही तुरंत भाई जमीन के अंदर से निकलता है लेजेंडरी ग्राउंड जिसको देख के तुरंत मैं इसके पीठ में कूद जाता हूँ ताकि वो जहाँ पर जा रहे हैं हम इसके साथ जा सके। एंड ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था बिकॉज आसपास से लावा जा रहा है भाई, थोड़ा गलती हुआ ना गिर के भाई उधर ही मौत आ जानी है मेरी। बट उसके बाद ग्राउंड हमें एक जगह पर ले जाता है एंड फिर भाई साहब ये जगह इतना खतरनाक था भाई, पता नहीं कौन सी एनर्जी यहाँ पर थी
रेड ऑर्ब की एनर्जी एंड यहाँ पर रेड ऑर्ब पूरा इधर पे एनर्जी था। एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके अपना ड्रेस उतार दिए, मतलब हाँ वो सूट उतार दिए एंड चल गए भाई ग्राउडन को बीट करने, बिकॉज ग्राउडन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। यू ऑल नो कि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि बहुत ही पावरफुल है, पहले तो छोटा दिख रहा था एंड फिर पता नहीं अचानक से भाई लौंडे की साइज हमसे बहुत गुना बड़ी हो गई भाई, डरावना सिचुएशन बन गया था। एंड फिर अचानक से यार आसपास चमकनी शुरू हो जाती इसकी, एंड ये कम चीज़ नहीं था ग्राउडन, ऐसे जो था ना कम नहीं था ये, साथ ही साथ भाई इसका एक चमकते हुआ ओरा निकल आया एंड रेड ऑर्ब का साइन आ गया इसमें। एंड इसके साथ साथ भाई लौंडा यहाँ से हो गया अपने प्राइमल फॉर्म में इवॉल्व। अब ये लुकिंग में तो यार जहर से भी खतरनाक था, अब देख के मेरी फट चुकी थी व्यूअर्स, ये म्यूटो देख के भी इतनी फटती भाई मेरी गेम में, बट ये लौंडा देख के पूरा फट चुका होगा तुम्हारा भी। मैं तो उसके बाद मैं अपने सेप्टाइल को निकालता हूँ एंड मैं इवॉल्व करने के बाद मैं अपने लेजेंडरी सेप्टाइल से यहाँ पर भाई रॉक टम करवाता हूँ, बट वो असर नहीं होता, नहीं एक अर्थक्वेक मारता है एंड फिर मैं ऐसे करवाता हूँ, सोचता हूँ लीवलेट करके देखते हैं। एंड ऑफकोर्स एक ग्राउंड ग्राउंड एंड फैटे पोकेमॉन था तो ऑफकोर्स ये लीवलेट लगने ही वाला था इसके ऊपर, अच्छा या सुपर भी तो नहीं बट या नॉर्मल ही था इसके ऊपर। एंड फिर भाई साहब मैं ट्राई करता उसको कैच करने की सोचता हूँ एंड उसके लिए मुझे वाइज स्वीप करना मतलब फोल स्वाइप करना था बिकॉज उससे एक एच पी पोकेमॉन बच जाता है, बट उल्टा मेरा पोकेमॉन पेट जाता है भाई यहाँ से। एंड आफ्टर दैट मतलब भाई चुपचाप भाई अपने लाटेस को बुलाते हैं, एक अल्ट्रा बॉल में एक नहीं काफ़ी से अल्ट्रा बॉल फेंकते बट एक में भाई वो कैद हो जाता है फाइनली। एंड ग्राउडन का भाई कैच होते ही भाई ये बिल्कुल केव जो था ना केव ऑफ ओरिजिन ये बिल्कुल तबाह होने की सिचुएशन में था, तो हम लोग तुरंत ही निकले एंड फिर भाई एक एनर्जी बॉल होके यार आसमान में फायर हो गई एंड उसके बाद आसमान से कुछ चमकते हुए सितारे गिर रहे थे जो कि भाई पूरे के पूरे ओएन रीजन पे गिर रहे थे, एक जगह पे नहीं। एंड यहाँ पर हम लिटिल रोड सिटी पे आए एंड यहाँ पर भाई गिर रहे थे भाई बिल्कुल। एंड फिर ये चमचू जो था चिच्चू मेरा ट्रेनर एंड ये भी इसके ऊपर भी गिर रहे थे एंड फिर हम उसी सिटी में बैक आ गए एंड फाइनली हम लोग निकल के केव ऑफ ओरिजिन से बाहर। चाहे सेवन वेवन हम देख खुश हो गए बिकॉज हमने बचा लिया था सब चीज़ों को। एंड फिर क्या था भाई हम लोग आगे निकले एंड यहाँ पर टीम मैग्मा के लीडर से मुझे रेड ऑर्ब मिला बिकॉज ये मेरे हाथ से सुरक्षित रहेगा इसने कहा एंड मेरे को दे दिया। एंड फिर स्टेवन ने मेरे को ऐसे एक फ्लड दिया ईओन फ्लड या जो भी इसका नाम है ये मेरे को दिया एंड इससे मैं लाटेस को बुला सकता हूँ कहीं पर भी एंड हम उसे ट्रैवल कर सकते हैं। फिर क्या था भाई हमने यहाँ ट्राई किया यहाँ पर एंड अचानक भाई अपना लाटेस भाई यहाँ से महंगा है वो लोग आसमान में हमें ले गया हो। एंड फिर भाई इसके साथ हमने थोड़ा बहुत ट्रैवल वैवल किया भाई सब मजे तरीके से यहाँ से वहाँ यहाँ से आप फ्लाइंग जेट बन की एंड फिर भाई हम नीचे यहाँ से चल पड़े एंड नीचे जाने के बाद भाई हमें लैंड पे भाई उतारा भाई एनिमेशन मस्त था यहाँ का। एंड फिर यहाँ पर हम पता नहीं कौन से केव के पास आ गए, यहाँ पर आने के बाद हमने कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर है एंड थोड़ा आगे जाने के बाद हमें दिखा एक डायमेंशन पोर्टल, बट मैं इसके अंदर नहीं घुसना चाहता बिकॉज इसके अंदर कोई लेजेंडरी होगा एंड फिलहाल मैं इसके बोर्ड पर नहीं हूँ बिकॉज मैंने नेक्स्ट वीडियो के बारे में सोच रखा है, मतलब कुछ वीडियो बाद में एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पर इस गेम जैसा लेजेंडरी को मैं कैच करूंगा अगर ठीक है लाइक गेम हो जाता है। एंड फिर भाई जिम को हराने में आ गया ठीक है एंड जिम के अंदर घुसने के बाद यहाँ पर तुम्हें भाई पजल सॉल्व करने पड़ेंगे बहुत ही ज़्यादा, अगर तुम्हें बैटल स्किप करनी है तो हम चुपचाप भाई बहुत सारे पजल सॉल्व कर देते यहाँ से। एंड फाइनली हम पहुँच जाते हैं यहाँ जमरे के पास जो कि लुकिंग में भाई सारे जमरे से सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, बस भाई इसके हेयर थोड़ा ब्लू हो जाता तो सच बता रहा मुझे तो काफ़ी असम लगता भाई जब। फिर भाई ये लौंडा पता नहीं यार सस्ते से करके आया था कुछ पोज वोज मार रहा था मेरे सामने एंड क्या क्या दिखा रहा था अपना एंड फिर भाई इससे बैटल शुरू हो जाती है। एंड ये एक वाटर टाइप जनरेटर था, इसके फर्स्ट पोकेमॉन को लवेरिया हो चुका था तो भाई इसको हमने चुपचाप यार बवासीर की गोली खिला के अपने प्यार से सेप्टाइल को भाई करवा दिया मेगा इवॉल्व एंड एक ही शॉट के अंदर फिनिश आउट किया इसके। एंड सेकंड पोकेमॉन को भी एक ही शॉट के अंदर फिनिश आउट किया, थर्ड पोकेमॉन को वन शॉट, फोर्थ पोकेमॉन को वन शॉट एंड उसके बाद जिम बैच। एंड जिम बैच देने के बाद अभी हमें जहाँ तक पोकेमॉन लीक के लिए था हम लोग चुपचाप भाई अपने लाटियोस के पीठ पे उठ के लाटियोस हैं हाँ लाटियोस के पीठ के ऊपर चल पड़े भाई आसमान की सफ़र करने। एंड थोड़ा बहुत आसमान की सफ़र की हमने इधर से उधर एंड उसके बाद थोड़ा बहुत पानी की भी भाई सफ़र की एंड फिर हम पहुंच गए थे पोकेमॉन लीग के थोड़ा बहुत सामने या पोकेमॉन लीग पे डायरेक्ट नहीं पहुंचे थे। अब एक माउंटेन को भी हमें पार करना है मतलब एक केव को विक्ट्री रोड के केव को एंड यहाँ पर भाई इस केव को भाई सब काफ़ी टाइम लगा के हमें पार करनी पड़ती है, लाइक बहुत ही बड़ी केव होती है। एंड यहाँ पर जाते जाते भाई साहब हमें भाई कुछ लौंडे यार लौंडे भी मिल जाते हैं, हमसे बैटल करने पड़ते हैं उनसे एंड लास्ट में एक दादी जी भी मिलती है हमें एंड जिनका भाई साहब यहाँ से हराने के बाद फाइनली मेरा एरोन का जो लेरियन लेरियन फाइनली इवॉल्व रहा था फाइनल स्टेज में। एंड ऑफकोर्स इसका मेगा इवोल्यूशन स्टोन भी मेरे पास था तो मैं इसको मेगा इवॉल्व भी कर सकता हूँ। फिर मैं इस केव से बाहर आ जाता हूँ, मुझे ये लौंडा दिखा एंड इसने अगली बार जाते हुए मुझसे प्रॉमिस ली थी कि भाई हम लोग नेक्स्ट बार जब भी मिलेंगे हम लोग एक बैटल करेंगे एंड ये ऑफकोर्स मुझे अपना राइवल मानता था, अरे बोल नहीं पाया कभी वो अलग बात है। एंड फिर इसने भाई मुझसे बैटल करना चाहो एंड अपना भाई बैटल शुरू हो गई एंड लिटरली ये लौंडा मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद था पूरे गेम में एंड इसका भाई मेगा इवोल्यूशन स्टोन भी था इस लौंडे के पास। मैं जो भी इसका भाई मेरा पोकेमॉन में मेगा इवॉल्व करता हूँ इसके अल्टेरिया को भाई एक ड्रैगन ब्रीथ मारता हूँ एंड मरता तो नहीं एक शॉट में बट कोई बात नहीं जाए दूसरे शॉट में मर जाता है इसलिए। एंड फिर इसका दूसरे पोकेमॉन आता है जिसको मैं एक शॉट ले फिनिश आउट करता हूँ एंड फिर भाई इसका थर्ड पोकेमॉन को भी मैं सेप्टाइल फिनिश आउट करता है एंड फोर्थ पोकेमॉन तो भाई बहुत इजीली।
एंडर्स के बाद भाई इसका फिफ्थ पोकेमोन था एक गैलिड। भाई साहब मेगा एवोल्यूशन हो गया इसका, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक शॉट मारते तो है अच्छी तरीके से, बट ज़्यादा असर नहीं था। एंड इसके एक साइको कार्ड से भाई मेरा पोकेमोन फिर जाता है। एंड फिर भाई क्या था भाई, हम बुलाते अपने गाड़ी वेयर को, अर्न करते भाई गैलेड वर्सेस गाड़ी वेयर, जो कि भाई इसका मेल एंड फीमेल वर्जन है रेल्स का, जो कि भाई बैटल में तो काफ़ी असम लग रहा था भाई। अपने पास मेगा वर्जन नहीं था बट उसके पास था। एंड फिर भाई मैं इसको अच्छा एक शॉट मारता हूँ, एंड फिर भाई दूसरे अटैक के अंदर भाई से यहाँ से ईजी तरीके से फिनिश आउट कर देता हूँ विथ गाड़ी वायर, मतलब यार गाड़ी पर पावरफुल है। एंड फिर जो भी था इससे मुझे डोन स्टोन मिलता है, एंड लॉन्डा भाई मेरे को साइड दे देता है जाने के लिए आगे। फिर हम चुपचाप आगे निकल जाते हैं, एंड यहाँ पर था पोकेमोन लीविंग ये भाई। एंड इसके साइड में कुछ चीज़ें चमक रही थी, तो मैं सोचा भाई चमकती हुई चीज़ों को देखते क्या है। एंड ये था मेगा म्यूटो का वाइस स्टोन, किस काम का भाई, फिलहाल किस लिए दे रहा था मुझे, बट कोई बात नहीं, मैं निकल पड़ा हाकी की साइड। और आगे की साइड निकलने के बाद यहाँ पर था भाई साहब पोकेमोन लीग में, जहाँ पर मैंने कुछ खरीदारी एंड अपने पोकेमोन को हील करा लिया। एंड फिर भाई निकल पड़ा इलाइट फोर को बीट करने, हम लोग तो पावरफुल थे भाई साहब। एंड भाई जब भी मैं अंदर गया ना, पता नहीं क्या चीज़ था, मतलब बवासीर भाई ग्राफिक गेम के दिखे में को इतना खतरनाक भाई। एंड यहाँ पर पता नहीं सैंड वैंड गिरा कुछ, एंड दरवाज़ा खुल गया हमारे लिए भाई। सच में बहुत ज़्यादा औसम ग्राफिक है भाई, गेम दिल को छू गया यहाँ पर मेरे। एंड सच बता रहा हूँ, तब मुझे फील हो रहा था क्योंकि मेरे सड़क का दरवाज़ा खोल रहा है, एंड मैं उसके अंदर घुस रहा हूँ। एंड फिर भाई जब ये लौंडा जीवानी के स्टैंड में बैठा हुआ था लाइट फोर का, पता नहीं इसके सर के बाकी बाल कहाँ चले गए थे, पता वो काट रहा था ना वो नाइस का, तो बाकी तरह बाल काट दिए इसने। एंड भाई देखो जो भी उसका भाई बैटल शुरू हो जाती है, एंड ये फर्स्ट लाइट फोर था, और भाई इसका फर्स्ट पोकेमोन था माइटियाना, आई थिंक ये डार्क टाइप का था, बट कोई बात नहीं, उससे हमारी बैटल शुरू हो जाती है। एंड ग्राउडन निकलने बाद अपने प्राइमल फॉर्म में चला आता है, पहले मैंने ग्राउडन का टीम ऐड कर लिया था। एंड फिर क्या था भाई साहब, हमने इसको यार एक शॉट के अंदर हरा नहीं पाए, बट यार दूसरे अर्थ क्विक के अंदर कांड कर दी इसकी। एंड फिर भाई इसका सेकंड पोकेमोन आता है, जिसके रेंज में सेप्टाइल को भेजता हूँ, एंड चार कीड़ों को भाई साहब मेगा सेप्टाइल होके इजी तरीके से भाई साहब एक ही शॉट के अंदर फिनिश आउट कर देता है भाई। देखिए हाँ, दो एवोल्यूशन कर सकता है अपन इस गेम के, मतलब एक बार में, ठीक है। एंड फिर इसके हर एक पोकेमोन को भाई मेरे ग्राउंड में कुत्ते की तरह मसल जाता हूँ। एंड फाइनली इसके बाद इसका लास्ट पोकेमोन को मेरे ग्राउंड बीट करता है, एंड उसी के साथ साथ फाइनली हम फर्स्ट लाइट को जीत चुके थे, हमारा नेक्स्ट डोर खुल चुका था। तो हम तुरंत ही निकल पड़े भाई आगे की साइड, आगे की साइड जॉन के बाद भाई हमें दिखता है यहाँ पर कुछ लॉटस, एंड फिर पत्ते में कुछ स्पिरिटल एनर्जी बाहर निकलती है, एंड यहाँ पर कुछ लाइट्स ऑन कर देती है। लिटरली अगर रात को 3:30 बजे तुम अकेले घर पर लाइट बंद करके गेम खेल रहे हो ना, तब तुम्हारी फट जाएगी, जैसे मेरी फटी थी। एंड भाई जब उसके बाद मैं जिमनेटर के पास आता हूँ, एंड पता नहीं नाच क्यों रही थी भाई, ये घोष टाइप जिमनेटर लाइट फोर है, एंड ये नाच रही थी भाई इलॉन्डिया, बट कोई बात नहीं, उसके बाद इससे हमारी बैठक शुरू हो जाती है। एंड ये भाई सेकंड इलाइट फोर थी यहाँ की, जो कि भाई साहब थी थोड़ी बहुत खूबसूरत जो भी है। एंड फिर इसका फर्स्ट पोकेमोन आता है, एंड हम लोग का भाई फर्स्ट पोकेमोन निकलता है, एंड सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो ब्रेंडन है भाई जो भी बताओ। एंड फिर भाई क्या होता है यार, इससे हमारी बैटल चली है, एंड अपना भाई ग्राउडॉन एक एक शॉट में भाई इसके हर एक पोकेमोन को डिफीट कर रहा था। एंड फिर सेकंड पोकेमोन भाई इसका आया, एंड स्टेबलाइजर, इसके ऊपर हमने एक पैसिक क्या था इसका नाम, हाँ ड्रेन किस इस्तेमाल की। एंड फिर भाई फ्यूचर साइड भी पड़ा इसके ऊपर, एंड जो भी 8 HP बचा मैंने गाड़ी में, एंड फिर इसने फुल रिस्टोर किया, एंड चुपचाप हमने भाई इसकी HP चला ली। एंड उसके बाद मेरी फुल HP नहीं हुई थी, तो इसने भाई दूसरी बार भी यहाँ पर फुल रिस्टोर कर दिया था कि मेरे फुल HP हो जाए। तो हमने इसको भाई दूसरी बार ट्रेनिंग किस मारी, इसके सारी HP छीन ली। एंड फिर क्या था भाई, तीसरी भाई यहाँ से ट्रेनिंग किस के अंदर हमने इसे फिनिश आउट कर दिया। एंड गाड़ी वार का जैसा कहते हैं बेचारा का एक पोकेमोन लॉस हो चुका था। एंड फिर भाई बाकी पोकेमोन के ग्राउडन ने भाई यहाँ से निपटा, एंड पता नहीं भाई इसके पास दो पोकेमोन क्या कर रहे थे, मतलब एक पोकेमोन ही दो बार यूज़ कर रही है लॉन्डिया जो भी है भाई, बवासीर है इसके। एंड 10 लॉक भी दो बार आया गेम पे, एंड कोई बात नहीं, उसके बाद हमने 2 बार 10 लॉक कराया। एंड फाइनली उसके बाद इसका भाई नेक्स्ट जोर हमें खुल चुका था, एंड नेक्स्ट जोर आई थिंक वाटर टाइप हो सकता है, बट नहीं ये आइस टाइप था। एंड फिर हम थोड़ा आगे निकले, एंड यहाँ पर भाई साहब आइस का कुछ बवासीर, मतलब हाँ सॉरी बवासीर नहीं, तूफान आया, एंड पूरा आइस से भाई घिर गया भाई नीचे जगह, अच्छा ही था जो भी था। एंड फिर हम चले बड़े यहाँ पर, एंड ये थी भाई साहब सबसे खूबसूरत राइटर, मतलब पूरे गेम में सबसे खूबसूरत लेडी यही है, तुम्हें नहीं लग रही, हाँ मुझे लग रही, बता नहीं तुम कमेंट में बताना तुम्हारी राय क्या है, बट कोई जो भी बात नहीं, इससे हमारी बैटल शुरू हो जाती है। एंड आफ्टर डैट ये थी अपनी थर्ड इलाइट फोर, यार इसका नाम गेली जो भी आज का, हाँ इसका फर्स्ट पोकेमोन गेली था। एंड फिर अपना भाई फर्स्ट पोकेमोन निकलता है, एंड वो भाई आते ही प्राइमल फॉर्म में चला आती ग्राउडॉन, एंड फिर क्या था भाई तबाही मचना, तो यार शुरू ही था, एंड एक ही शॉट के अंदर गेली खत्म। एंड फिर अपना भाई मेगा सेप्टाइल आता है, जो कि भाई सब इजी तरीके से उसके सेकंड पोकेमोन को भी चिमटा डालता है। एंड फिर बाकी काम तो भाई अपना ग्राउडॉन ही यहाँ से कर देगा, मतलब एक पोकेमोन इसके पास भी 2 बार आ रहे थे, एंड गली भी 2 बार आ चुका था। एंड फिर जो भी जैसे जैसे भाई हमने इसे डिफीट कर दिया इजी तरीके से, एंड फिर भाई हमारे यहाँ से इजी तरीके से नेक्स्ट जोड़ यहाँ से मिल जाती है।
एंड फिर मैं चल पड़ता हूँ लास्ट डोर के और एंड यहाँ पर भाई किस किस को फायर टाइप लग रहा है तुम बताना, कौन सा किस किस को लग रहा है ये लाइट फॉर फायर टाइप होने वाला है कमेंट बॉक्स से जरूर से बताना। बट तुम्हारा पोपट होने वाला है अंदर जाने के बाद, मेरा भी भाई पोपट हो चुका था बिकॉज मुझे भी लगा था फायर टाइप होगा, तो मैं तुरंत भाई साहब दौड़ दौड़ के भाग भग के अंदर निकल लिया। एंड यहाँ पर सस्ते से करने वाला लौंडा मेरे को दिखा, मतलब बाकी सारे गेम में भाई इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हें पता है रस्ते में मिल जाते हैं लौंडा, बट यहाँ पर ये लाइट फोर है भाई, इज्जत दे रखी है इसको एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट फोर भी भाई साहब। जो भी उसके बाद हमारी बैटल चली जाती है इस लौंडे से, मैं दोबारा उसके बाद बोला ना, बट कोई बात नहीं। इसका पोकेमॉन फर्स्ट अल्टेरिया होता है, नहीं होता है एक ड्रैगन टाइप इलाइट फोर, जिसका अल्टेरिया मेरे पोकेमॉन को मारने की कोशिश करता है बट मेरा प्यार सा पोकेमॉन उसको निपटा डालता है। एंड फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन जिसको मैं मारने की ट्राई तो करता हूँ बट बेचारा मेरा सेप्टाइल आरआईपी। एंड ये भी हो आफ्टर दैट हम लोग अपने मेगा लाटिस को लाते हैं एंड एक ड्रैगन ब्रीथ भाई तुरंत से इस्तेमाल करते हैं और ये फुल रिस्टोर यूज़ कर चुका था बट कोई बात नहीं, दूसरे ड्रैगन ब्रीथ से फिनिश आउट हो जाता है। एंड फिर इसका सिलेमन आता है भाई खतरनाक एंड एक ही शॉट के अंदर खत्म, एक ड्रैगन रेस में मेरा पोकेमॉन गया। एंड फिर भाई मेरा वो आता है गाड़ी वाला आता है जो कि भाई ड्रेनिंग किस कर रहा था एंड आर यू बिलीव ऑन दैट, एक एक ड्रेनिंग किस में भाई एक एक मतलब वो उसको ले रहा है ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को ले, ड्रैगन टाइप पिघल गया भाई गाड़ी वाले के आगे, सोच रहे हो मतलब पप्पियों से गाड़ी वाले ने उसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया होगा, ये लौंडा भी खुद सोच रहा है भाई क्या ही ठटकी पोकेमॉन है मेरे, पप्पी खा खा के हार गए सारे। बट कोई बात नहीं, आफ्टर हम निकल जाते हैं लास्ट चैंपियन के पास एंड भाई डोर कितना समय चाहिए कल एंड मैं बार कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं मिर्ची खा रहा हूँ बट नहीं खा रहा भाई, मुझे मजा आ रहा है इस कमेंट्री करते हुए आज बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं भाई सांसों रोक रहा हूँ अपनी खुद की। एंड फिर जो भी यहाँ पर मुझे ब्रैंडन मिलता है एंड ब्रैंडन भाई स्टाइल मार के बैठा होता है, लौंडा हमारे सामने स्टाइल मारेगा एंड फिर वेलकम एलेक्स करता है एंड बोलता है आ गया तुम हमें फाड़ने हमारी फाड़ने। एंड फिर भाई इसके साथ हमारी भाषा शुरू हो जाती है एंड अफकोर्स ये एक चैंपियन था तो भाई इसके भाई एंट्री तो लेजेंडरी होनी ही थी एंड भाई इसका भाई मेगा स्टोन चमकता है एंड फिर इससे बैटल शुरू हो जाती है हमारी। इसका फर्स्ट पोकेमॉन स्कारमोरी था लेकिन भाई बेचारा पट गया मेरे एक ही फ्लैंक के पोकेमॉन के आगे एंड मैंने इस बैटल में सोचा था कि मैं अपने हर पोकेमॉन का फुल पोटेंशियल यूज़ करूँगा ताकि तुम लोगों को मजा आए मेरे को मजा आए। फिर मैंने अपने सेप्टाइल को किया मेगा इवॉल्व सेप्टाइल एंड इसी के साथ मैं सेप्टाइल हो गया मेगा इवॉल्व केस्टोन मेगा स्टोन के साथ एंड फिर हमने इसको हराने की ट्राई की बट भाई इसका पोकेमॉन पावरफुल तो था ही एंड लास्ट ऑफ द मैंने सोचा चलो करते अर्थक्विक एंड एक अर्थक्विक के साथ इसका पोकेमॉन पेट गया भाई यहाँ से। एंड फिर हमने अपने गाड़ी वाले को बुलाया उसका आया भाई साहब यहाँ से ये पोकेमॉन, मुझे सच में आज तक इस पोकेमॉन का टाइप नहीं पता भाई, पूरा पता नहीं कितना गेम मैंने खेला बस इस पोकेमॉन का मेरे को टाइप नहीं पता, शायद से ग्राउंड टाइप है शायद से पॉइजन टाइप है बट मुझे सच में इसका टाइप नहीं पता। एंड भाई जो भी मैं गाड़ी वाले को लो करने के बाद ये बंदा अपने आपको हील करता है तो मैं अपने पोकेमॉन चेंज करता हूँ। एंड या अब आज का तो मेरा ड्रैगन पोकेमॉन जो कि से फिनिश आउट करता है फाइनली। एंड फिर इसका भाई और एक पोकेमॉन आता है, इसके लिए मैं एग्रॉन को भेजता हूँ बिकॉज मैं अपने सारे पोकेमॉन को यूज़ करना चाहता हूँ एंड एग्रॉन भाई अपने एक शॉट एंड भाई इजी तरीके से इसको पीट डालता है दूसरे शॉट में ही, एग्रॉन भाई स्ट्रॉन्गर है अपना। एंड फिर भाई अपना लीव लीड वाला गोवाइल आता है जो कि एक शॉट में इसके क्ले पोकेमॉन को फिनिश आउट करता है। एंड लास्ट जो अपना ग्राउंड ऑन आता है जो कि भाई आते ही भाई अपने रूबी फॉर्म में जाता है मतलब प्राइमल फॉर्म में रेड ऑर्ब का यूज़ करके एंड उसके बाद ही उसका भाई साहब मेटाक्रॉस मेगा इवॉल्व होता है। एंड फिर एक ही अटैक के अंदर उसका मेगा मेटाक्रॉस मरता नहीं है बट उसके बदले भाई मेरे ग्राउंडन काफ़ी अच्छा खासा डैमेज खा लेता है। एंड फिर आपने दूसरा अटैक कर ही रहता है कि ग्राउंडन फिर से पंच खाता है, भाई इसका स्पीड कैसे बढ़ रहा है भाई दे में जो भी हो। एंड फिर दूसरे अटैक के अंदर मैंने सोचा था ग्राउंडन हरा देगा बट नहीं ग्राउंडन नल्ला है एंड फिर हमने सोचा ओवरहीट करते हैं बट उसके अंदर ही मेटाक्रॉस ने ग्राउंडन की बजा डाली बेचारा ग्राउंडन। बट कोई बात नहीं उसके बाद मेरे लीफ ब्लेड वाले सेप्टाइल ने मेगा पोकेमॉन ने फिनिश आउट किया मेगा पोकेमॉन को एंड फाइनली वी वॉन द पोकेमॉन लीग एंड नाउ आई एम अ चैंपियन ऑफ हुएन, भाई एक ही चैंपियन है हुएन का जो कि लॉर्ड एलेक्स है भूलना मत। एंड या सब लोग सब्सक्राइब कर दो इसी बात पर, भाई जब हमने अपने सारे चैनल्स कंप्लीट कर दिए एंड फिर भाई जब मैं आके बोलती है यार बैटल चुनाव से पहले हम बात कर लेते हैं एंड फिर ये चौक जाती है कि ये खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। एंड फिर प्रोफेसर आते हैं क्या एलेक्स ने कर दिया यानी ये मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन सब कुछ बोल देते हैं यहाँ पर। एंड फिर स्टेवन बोलता है चलो चैंपियन अंदर चलते हैं बट मैं यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं बट ब्रैंडन स्टेवन बोलता है कि अंदर नहीं जा सकते हम लोग, तू नहीं अंदर जा सकती बिकॉज सिर्फ चैंपियन जा सकते हैं अंदर। एंड फिर हम लोग चुपचाप अंदर जाते हैं एंड आफ्टर एट गेम सेव होने के बाद ये बोलता है चलो अपने पोकेमॉन को रजिस्टर कर दो एलेक्स। एंड फिर लाल भाई मुझे हॉल ऑफ फेम देखना था इस गेम का कैसा है बिकॉज फर्स्ट टाइम खेला मैं इस गेम को पूरा, तो भाई हमने आज से अपना पोकेमॉन रजिस्टर किए एंड फाइनली यहाँ पर मेरा हॉल ऑफ फेम दिख रहा एंड ये मेरा फर्स्ट पोकेमॉन था, सेकंड गाड़ी वगैर, थर्ड मेरा लाटियोस एंड फोर्थ ग्राउडन जो कि प्राइमल फॉर्म में इवॉल्व हो सकता है एंड या मेगा वो ये एंड मेगा सेप्टाइल। एंड इसी के साथ साथ हम बोल चुके इस गेम के पूरे चैंपियन बट भाई गेम यहाँ पर एंड नहीं होती है, गेम तो बहुत ही लंबी है और बट हम थोड़ा और प्ले करते हैं। एंड फिर हम लोग बाहर आते हैं यहाँ से एंड बाहर भाई मैं हमारा वेट कर रही थी ऑलरेडी एंड फिर क्या था भाई मजे ही मजे थे हमारे। एंड फिर मैं बोलते वेलकम एलेक्स चलो भाई लिटिल रोड सिटी में बाहर चलते हैं, हमने एक साथ जर्नी स्टार्ट की थी बट तुम मुझसे काफ़ी आगे निकल चुके हो बट जो भी हो उसके बाद हम लोग चलते हैं चलो भाई अपने सिटी में जाते हैं बैक एक साथ में। एंड फिर मैं और मैं निकलते हैं अपने सिटी में बैक
एंड फिर सिटी में फैंक आने के बाद ही मैं यहाँ से हमसे बात करती है कि हमने यहाँ से भाई शुरू किया था बिल्कुल अपना जर्नी वर्नी एंड हम लोग देखो कितने आगे आ चुके हैं। फाइनली इस बार बोलती है एलेक्स मेरे साथ बैटल करो तुम, क्योंकि मैं पहले तुम्हें और तुम्हारे पोकेमॉन को जानना चाहती हूँ, फिर मैं अपने अपनी पोकेमॉन को जानना चाहती हूँ। एंड फिर इसका भाई हमसे बैटल शुरू हो जाती है। भाई इसके पोकेमॉन अब स्ट्रांग हो चुके थे, बट एज ए चैंपियन भाई मुझे उसमें फुल पोटेंशियल में लड़ना ही पड़ेगा, चाहे ये मेरे दोस्त या कोई भी हो। एंड फिर मेरा भाई पोकेमॉन भाई एक ही हाइड्रो पंप के अंदर उसके स्वेलो को हरा देता है एंड बेचारी में, बट कोई बात नहीं, उसके बाद उसका सेकंड पोकेमॉन आता है जिसके लिए मैं एग्रॉन को यूज़ करता हूँ एंड उसका राइट चू को भाई साहब मेरे एग्रॉन एक ही शॉट में फिनिश करता है। एंड आफ्टर दैट मेरा मेगा सेप्टाइल हो जाता है एंड उसका आता है प्यारा सा वेल पोकेमॉन जिसका अपन एक ही अटैक में फिनिश करते हैं। एंड फिर उसका भाई थर्ड पोकेमॉन और फोर्थ पोकेमॉन को भी हम लोग बहुत ईजी तरीके से एक शॉट में फिनिश करते हैं, मतलब वन शॉट भाई हो रहा था सब कुछ। एंड फिर प्राइमल ग्राउडन आता है जो कि बहुत ईजी तरीके से उसके ब्लेजिकन को फिनिश आउट करने वाला था फिलहाल। एंड उसका मेगा ब्लेजिकन सच में ऑसम था, बट RIP मेगा ब्लेजिकन। मतलब एक मतलब देखो चैंपियन की पावर देखो भाई, एक एक शॉट में भाई लॉन्डी खत्म कर चुकी था मेरा सारे पोकेमॉन। एंड फिर जो भी हो हम लोग यहाँ से भाई जीत जाते हैं एंड क्या यहाँ से लगभग गेम एंड हो जाती है। भाई भी भाई किस किस को ये सीरीज पसंद आई एंड आगे भाई काफ़ी और कुछ है, लेजेंडरी राइकू जगह पकड़ना है, सारे लेजेंडरी पोकेमॉन का भी ढूंढना है एंड टीम मैग्मा अभी तक सुधरी नहीं थी, टीम मैग्मा अभी भी कुछ बुरे कांड करने वाली थी तो हमें उसको भी रोकना है फिलहाल। एंड जिन लोगों को ये सीरीज पसंद आई तो लाइक करना, T3 के लाइक में तुम्हें पता है ऑलरेडी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मेरे बाकी सीरीज को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट का लिंक तुम्हें इधर पर मिल जाएगा एंड गेम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा। गाइस लेट्स बाय मी ट्रिक इन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।